ये तो अभी मैथमेटिकल टूल्स में आपके डाउट्स बताओ, पहले कौन से नहीं बने आपसे? पहला असाइनमेंट जो दिया था उसमें पूछो, थर्टीन एंड 23 13 एंड 23 जैसे सेकंड के, एक मिनट वेट करिए। The first that you have asked is 13. So 68. पहले 13 वाला कर लेते हैं बोले, ठीक है? 31 says the radius of a sphere starts to increase at the rate of 0.1 centimeters per second. The rate of change of area of the sphere with time when radius is 10 centimeter. Okay. How do you write the area of a sphere? 4 pi r square, right? Do you write that? Yes. So if I am supposed to find out rate of change of area, iska matlab dA by dt find karna hai mujhe, right? Yes, sir. So that becomes 4 pi is a constant and then d by dt of r square. Yahan pe aapko chain rule use karna padega, so 4 pi into d r square by dr and that multiplied with dr by dt. Isn't it? Right? Right, Ishani? Yes, sir. सो डी आर, देखो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अभी 2r हो जाएगा एंड डी आर बाई डी टी का वैल्यू तो ऑलरेडी उसने दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है, और अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो रेडियस का, सो 4 पाई इनटू ट्वाइस ऑफ रेडियस, रेडियस व्हिच वाज 10 सेंटीमीटर एंड दैट मल्टीप्लाइड विद 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड। यहाँ से डेसिमल आप हटा सकते हैं और सेंटीमीटर, हाँ ठीक है, सो दिस बिकम्स 4 इंटू 2 इज 8, so 8 pi and centimeter square per second. Got it? Yes. This was easy. Next bolo. 23. Next. 23. We already did 23 in the last class. Ye dekho. Yes, sir. You didn't even revise the class yesterday's class. I mean, last class. मैक्सिमा का कंसेप्ट नहीं, ये कवर अप कराया था, ये देखो ये वाला, जस्ट सी दिस, ये देखो ये वाला एक्सेलरेशन ऑफ अ चार्ज ए इज ए नॉट इनटू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, और वहां पे उसने इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया, उसकी वैल्यू देखो क्यू इंटू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, सेम ही तो है। इसमें मैक्सिमम जो हमने निकाला था वो एक्स इक्वल टू आर बाय रूट टू पे निकालना है, क्वेश्चन में जो दे रखा है आर की जगह ए दे रखा है, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाय रूट टू आएगा। ऐशानी, यू आर नॉट इवन रिवाइजिंग द क्लास नोट्स। ऐशानी हां सर, हां सर, 23 आपका ही डाउट नहीं, मेरा डाउट नहीं है। ओके ओके, किसका डाउट था बेटा? ये तन्विश था। तन्विश, आप रिवाइज भी नहीं कर रहे बेटा? And then you're being casual also. So how will I help you? Physics is a difficult subject for you, and then you're already neglecting it. So how would I help you then? It's very difficult now. चलो आप अपना वीडियो देखना उस लेक्चर का, और नहीं तो फिर मैं आपको हेल्प नहीं कर सकता यहाँ पे। नेक्स्ट बोलिए बेटा, नेक्स्ट बोलिए, नेक्स्ट। किसी ने 60 कुछ बोला था, 63 शायद, या 68 बोला था किसी ने, कौन सा बोला था? 68 इनफाइनाइट जीपी का क्वेश्चन, 68 इज एन इनफाइनाइट जीपी। मैंने एपी जीपी आपको बताया अभी तक या नहीं बताया? नहीं सर।
नहीं बताया, ठीक है, तो ये आप आज आज बता दूंगा फिर करिएगा, ठीक है, आज बता दूंगा ये, ठीक है, उसके बाद आप करिएगा। इसके इसके लिए एक फॉर्मूला जानने की जरूरत है आपको, वो जानने और बोलिए इसको छोड़ के, बोलिए इसकी छोड़ के, इसको छोड़ के और कोई है सर? लास्ट 91 ये वाला कराया था आपको, आपको ध्यान नहीं है। ए साइन थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा, इसको अगर आप ऐसे लिखो तो 4 को कॉमन आउट कर लिया एंड इसको रूट टू से मल्टीप्लाई करके 1 बाय रूट टू से डिवाइड भी कर दिया, तो कॉस थीटा प्लस 1 बाय रूट टू साइन थीटा भी हो गया। एंड इसको आप लिख सकते हो दिस इज 4 रूट टू एंड इन टू साइन ऑफ थीटा प्लस 45 डिग्री, लिख सकते हो ना इस पर सर, लिख सकते हो, देखो तो यस सर, यस सर, राइट। अब इसको कंपेयर करो इस इक्वेशन से, मतलब इसके एलएचएस से, एलएचएस से कंपेयर करो, देखो ये ए और ये 4 ये है, दोनों सेम है ना, राइट, और yes, यहाँ का 45 डिग्री और ये अल्फा, ये दोनों सेम है, हो गया, ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट और कुछ है? एनी मोर डाउट? और सेकंड वाले में से कुछ डाउट है क्या? उसमें तो बेसिकली ज्यादातर सॉल्व एग्जांपल थे, सेकंड वाले में कुछ डाउट है क्या? सेकंड वाले पीडीएफ जो भेजा था, वो नहीं देखा आप लोगों ने? सर साहब फिनिश नहीं हुआ। ओके ठीक है, चलो जब फिनिश होगा तो फिर पूछ लेना, फिर हम अभी अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। We'll start off with integration. Again, integration में भी पहले मैं आपको क्या करूंगा, पहले उसका physical significance बताऊंगा, जैसे मैंने आपको differentiation में बताया था, पहले physical significance से formula, तो वैसे ही same तरीके से आपको integration का भी flow chart दिखाता हूँ। देखो supposedly हमारे पास एक situation है, let us say ये y-axis and let us say ये x-axis हमें दे रखा है, एंड मान लो कि इस इसमें कोई भी एक फंक्शन का ग्राफ एग्जिस्ट करता है, दिस इज सम फंक्शंस ग्राफ, कोई भी फंक्शन हो सकता है, दिस इज सम फंक्शन ऑफ x मान लेते हैं, ठीक है, राइट, सम फंक्शन ऑफ x। अब इसमें उसने क्या किया है, हमें दो कोऑर्डिनेट्स दे दिए, एक ये x इक्वल टू x1 और एक ये वाला कोऑर्डिनेट है दिस इज x इक्वल टू x2, और इसके बीच में ये जो एरिया आ रही है, इसके बीच में ये जो एरिया आ रही है ग्राफ के अंदर, ये वाला पोर्शन का एरिया, ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है, वी आर सपोज टू फाइंड आउट दिस एरिया, एरिया इनक्लोज्ड बाय द ग्राफ ऑफ द फंक्शन विद द एक्स एक्सिस, दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड आउट। अगर कोई स्टैंडर्ड यू नो जैसे कोई सर्कल या यू नो ट्रायंगल या ट्रेपीजियम इसका पार्ट तो है नहीं, तो इसको तो आप कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करके तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। सर्कल होता तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 के टर्म्स में, पाई आर स्क्वायर के टर्म्स में कुछ लिख लेते, अगर आपका ये ट्रायंगल होता हाफ बेस हाइट के टर्म्स में लिख लेते, ट्रेपीजियम होता तो वैसे ही लिख लेते, बट ये तो कोई स्टैंडर्ड कर्व नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है इसके लिए निकालने के लिए। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंसेप्चुअली एक चेंजेस करते हैं, देखो अच्छा देखो इधर हमने क्या किया, ओरिजिन से एक आर्बिट्री डिस्टेंस पे हम चले गए, लेट अस से यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे चले गए, एंड इस पर्टिकुलर जगह पे फंक्शन की जो वैल्यू है ये हमें पता चल जाएगा, कैसे, क्योंकि यहाँ पे इस ये जो इक्वेशन दी हुई, देखो y को टू f of x दी हुई है, इसका मतलब x की वैल्यू उस फंक्शन में डाल दोगे तो आपको y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी y की ये हमें ऑलरेडी पता है, दिस इज y एंड दिस विल बी f of x, क्योंकि x कोऑर्डिनेट मैंने x चूज किया वहाँ पे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से एक बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस dx आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा x के बाद x plus dx आगे बढ़ जाते हैं, so यहां से यहां तक का थिकनेस, ये थिकनेस इज dx। अब एक चीज देखो, आपको dx का सिग्निफिकेंस अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था ये इनफाइनिटिसिमली स्मॉल क्वांटिटी होती है, आपको याद है dx का मतलब इनफाइनिटिसिमली स्मॉल क्वांटिटी, जब वो टेंडिंग टू जीरो होता है, याद है आपको डेल्टा x जब टेंडिंग टू जीरो होता था तब हम उसको dx से लिखते थे,
तो इस केस में इजंट ऑब्वियस कि ग्राफ में जो दो पॉइंट मैंने मार्क किया है पिंक कलर के डॉट से जो दिख रहे हैं वो दोनों डॉट जो होंगे बहुत क्लोज होंगे एक दूसरे के? Yes, होंगे नहीं होंगे? तो अगर वो डॉट एक दूसरे के बहुत क्लोज है तो ये वाला जो स्ट्रिप बनेगा, ये वाला जो स्ट्रिप बन रहा है, विल दिस बी ऑलमोस्ट अ रेक्टेंगल और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Are you getting it? Everybody, are you getting it? Yes, sir. Yes, sir. So, is strip ko kehte hain, this is an elemental area. Elemental area. Elemental area matlab ki jaise hame total area nikalna tha, us total area ka ek chota sa element hai ye, theek hai? Matlab jo green color ka patch hame find out karna tha, wo to total area tha. But us total area ka ye ek chota sa elemental area hai. तो इस एलिमेंटल एरिया को हम क्या करते हैं, डी ए से लिखते हैं. डी ए, द टोटल एरिया बीइंग ए, एलिमेंटल एरिया होगा डी ए. जैसे एक्स के बाद अगर छोटा सा चेंज करते थे तो उसको डी एक्स लिखते थे, वो डी एक्स क्या था, छोटा सा एलिमेंटल लेंथ था. वैसे ही अगर आपने एरिया को अगर ए से इंडिकेट कर रखा है तो उसका एलिमेंटल एरिया जो होगा दैट विल बी नोन एज डी ए. अगर वैसे ही अगर वॉल्यूम होता कहीं पे तो उसमें वॉल्यूम के लिए अगर आप वी लिखते हो तो एलिमेंटल वॉल्यूम लिखोगे तो उसको डी वी लिखोगे. आई गेटिंग द आइडिया? ठीक है, नोटेशन समझ आ रही है आपको? सो देयरफॉर यहां से देखो एलिमेंटल एरिया की अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करें डीए, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, दिस विल बी रिटन एज fx * dx लिखेंगे ना. रेक्टेंगल का हाइट * ब्रेड्थ, समझ आ रही है? हाइट कितने का है उसका, fx का है, और ब्रेड्थ कितने का है, ds का. तो fx * ds कर दिया, एरिया मिल गया. बट ये एरिया तो सिर्फ डीए का मिला है, मतलब इस छोटे से स्ट्रिप का. मुझे तो यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा, मतलब x1 से x2 के बीच में ऐसे जितने भी पिलर्स बन रहे होंगे, पतले पतले पिलर्स बन रहे होंगे, उन सारे पिलर्स का बेसिकली एरिया लेके ऐड करना पड़ेगा ना, है ना? हाँ सर. और ये जो एडिशन का प्रोसेस है ना कंटिन्यूअस वेरिएशन वाली चीजों में, ये एडिशन का प्रोसेस ही बेसिकली इंटीग्रेशन कहलाता है. तो अगर आपको टोटल एरिया फाइंड आउट करना है, इफ आई यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट द एरिया ए, टोटल एरिया इनक्लोज्ड, so this will be equal to integration of da likhte hain isko. ye integration ka symbol hai, aisa ek symbol jo banaya maine wo integration symbol hai. this is read as integration of da, and ab aap next step mein isko values ko substitute kar sakte hain. this will be f(x) * dx and then integrated from x1 se x2. ye jo x1 se x2 maine likha hai integration ke symbol ke paas, usko hum limits of integration kehte hain. upar wale ko kehte hain upper limit of integration aur niche wale ko kehte hain lower limit of integration. तो आपको ग्राफिकली इसका सिग्निफिकेंस समझ आना चाहिए कि जैसे अगर किसी ने बोला आपको कि एक फंक्शन को इंटीग्रेट करो, जैसे fx को इंटीग्रेट करने बोला मैंने आपको, तो fx को इंटीग्रेट करने का मतलब ये होता है कि आपको क्या करना है, उस फंक्शन के अंदर, उस फंक्शन का जो ग्राफ आप ड्रॉ करते हो उसके नीचे x एक्सिस के अंदर कितनी एरिया इनक्लोज हो रही है, वो वाली टोटल एरिया आपको लेनी पड़ती है यहाँ पे. आई होप आई एम क्लियर विद द यू नो एनालिसिस ऑफ इट. Yes, sir. Yes, sir. Meaning सबको समझ आना चाहिए, उसके बाद तो फॉर्मूला है. मीनिंग तो सबको समझ आना चाहिए. मीनिंग सबको समझ आ गई है, कंफर्म करिए एक बार. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. So, अब मैं इसका सिग्निफिकेंस लिख देता हूँ. दस इंटीग्रेटिंग अ फंक्शन बिटवीन टू एक्स कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट finding out the area enclosed by the graph of the function with the x-axis between the coordinates given by limits of integration. Limits of integration मतलब x1 x2 की बात कर रहे हैं. x1 and x2. ठीक है, ये चीज का ध्यान हो गया. तो इंटीग्रेशन का मतलब आपको क्लियर हो गया है. अब दूसरी चीज देखो, एक और थोड़ा सा ट्रैप देखो. जैसे जब हम डी ए फाइंड आउट कर रहे हैं तो डी ए की वैल्यू को हमने लिखा है fx into dx. Now, dx हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा क्योंकि x1 से x2 जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हम इस छोटे वैल्यू से बड़े वैल्यू की तरफ जा रहे हैं. तो dx जो चेंज है, that is a negative change or a positive change? Positive. Positive change. Good. So dx is a positive quantity. That is for sure.
But are you sure that fx will always be positive? No, sir. No, sir. No, no sir. Because the function might attain some negative values also, no? Hai na? Yes. Yes, sir. Yes, sir. So if the portion of the graph lies below x-axis, then obviously the function's value is negative. So what will the value of fx into dx in that case be? Negative, sir. Negative. So in that case, fx dx ka jab aap product calculate karoge, to wo negative aa jayega. इसका मतलब आपको ये याद रखना है कि जब हम ये जो कंसेप्ट क्या है कि एरिया अंडर दी यू नो कर्व लेना है आपको, मतलब जब आप इंटीग्रेट करते हो तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट दी एरिया अंडर दी कर्व. तो इसमें आपको बस एक चीज का याद रखना है कि एरिया लेते वक्त आपको क्या करना है, ऊपर अगर एरिया है तो उसको प्लस के साथ कंसिडर करेंगे, और नीचे का एरिया अगर है मतलब एक्स एक्सिस के नीचे अगर एरिया रही है तो उस केस में उसमें एक नेगेटिव डाल के फिर एडिशन करना है. आर यू गेटिंग दिस? बात समझ आई आपको? यस सर. यस सर. ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस चीज को लिख दे रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स मे बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, दस एफ एक्स डी एक्स मे ऑल्सो बी नेगेटिव, दस अगर आप ऐसे देखो, एक एग्जांपल की तरह दिखा दे रहा हूँ, याद रख ये x axis, ये y axis, और मान लो हमारा function जो है, वो कुछ ऐसा drawn है. ऐसा कुछ. And let us say यहाँ पे, this is x equal to x1, and say this is x equal to x2. And इसके अंदर का ये जो patch area है, these are known to us. हमने फाइंड आउट कर लिया ये मान, ये तीन एरिया आपको दिखते हैं यहाँ पे. अब इंडिविजुअली इनकी एरियाज की वैल्यू, सपोजली दिस एरिया इज ए वन, दिस एरिया इज ए टू, एंड दिस एरिया इज ए थ्री. तो इस केस में अगर आपने इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम एक्स वन टू एक्स टू लिखा, तो इसको आप क्या करोगे यहाँ पे, दिस विल बी रिटन एज ए वन माइनस ए टू एंड प्लस ए थ्री. आर यू गेटिंग द आइडिया? यस सर. यस सर. ठीक है, एरिया अंडर द ग्राफ देता है इंटीग्रेशन, बट ये ध्यान रखना है कि अगर एरिया नीचे लाई करती है तो उसको सब्ट्रैक्ट करना है टोटल एरिया में, मतलब टोटल एरिया जो ऊपर वाला एरिया है और उसके नीचे वाला जो एरिया है, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आपको इंटीग्रेशन की वैल्यू मिलती है. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर विद एवरीबॉडी. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अभी देखो एक और इम्पोर्टेंट चीज देखो. हम कहते हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो होते हैं ना, एक दूसरे के जस्ट उल्टे प्रोसेस होते हैं, रिवर्स प्रोसेस होते हैं. इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर जस्ट द रिवर्स processes of each other. अब इसका मतलब क्या है? This means that if we differentiate a function and then integrate it back, then we get the original quantity that was differentiated. अब इसका मतलब क्या देखो, जैसे इसका सिंपल सा मतलब ये निकलता है कि जैसे आप सोचो कि एक लोफ ऑफ ब्रेड है, मतलब एक ब्रेड का लंबा सा टुकड़ा है, उसको आपने क्या किया, सोचो कि आपने यू नो नाइफ लेके यू नो उसको छोटे छोटे स्लाइस में डिवाइड कर दिया, तो छोटे छोटे स्लाइस में डिवाइड कर दिया, तो अब सोचो कि इसको डिफरेंशिएट कर दिया, अब वापस से वो सारे स्लाइस को आप एक साथ क्लब कर दो, इसका मतलब आपने क्या किया, उसको जोड़ दिया, तो आप क्या किया, आपने उसको इंटीग्रेट कर दिया, और इंटीग्रेट किया तो वापस से आपको इनिशियल लोफ ऑफ ब्रेड मिल गया, नहीं मिल गया? यस सर. आपको कोरिलेशन समझ आया? मतलब कि आप एक पर्टिकुलर फंक्शन को लेते हो और उसको डिफरेंशिएट करते हो,
और अगर वापस से जो डिफरेंशिएशन के बाद जो रिजल्ट आया उसको अगर आपने बैक इंटीग्रेशन कर दिया तो उससे आपको जो ओरिजिनल क्वांटिटी जिसको आपने डिफरेंशिएट किया था वो मिल जाता है. वाइस वर्सा भी ट्रू है. वाइस वर्सा भी ट्रू होने का मतलब क्या है कि अगर पहले इंटीग्रेट करते हैं और उसके बाद फिर वापस से डिफरेंशिएट कर देते हैं तो भी हमें सेम चीज मिल जाएगी. ठीक है, अब इसको एक बार प्रूफ करके दिखाता हूं आपको. देखो एक बार, छोटा सा प्रूफ है आपको समझ जाएगा. देखो लेट अस से, जैसे कि मैंने यू नो वाई की वैल्यू को एफ एक्स ले रखा है एंड डी वाई बाई डी एक्स अगर हम कर रहे हैं तो इससे मुझे जी ऑफ एक्स मिल रहा है. ठीक है, मतलब एफ एक्स को डिफरेंशिएट किया तो जी एक्स मिल रहा है. जैसे साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते हो तो आपको कॉस एक्स मिल जाता है. तो वैसे ही मैं लिख रहा हूँ कि मान लेते हैं कि वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है और उसको डिफरेंशिएट करने पे मुझे जी ऑफ एक्स मिल रही है. ठीक है, तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैंने जी एक्स को इंटीग्रेट किया तो मुझे क्या मिलेगा, एफ एक्स मिलेगा. यस सर, मिलेगा. ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं. देखो सो देयरफॉर अगर मुझे इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स चाहिए, ठीक है, दिस इज वॉट आई नीड, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं. देखो इसके ठीक ऊपर वाला इक्वेशन देखो, dy by dx का वैल्यू कितना है, gfx है. तो अगर मैं dx को rhs में लेके चले जाऊं तो dy की वैल्यू ही तो gx dx होगी ना, होगी नहीं होगी. हां सर, जस्ट आप ये वाली जो क्वांटिटी है dx जो है इसको आप इधर से उठा के इधर लेके चले जाओ, इधर लेके चले जाओ तो gfx * dx हो जाएगा, नहीं होगा. हां सर, तो इससे आपको क्या मिल रहा है बताओ मुझे. So this is basically nothing but integration of dy or not? Dy. Sir, we are integrating both sides. No, I have not. अच्छा ठीक है, you can consider that. You can consider that we have integrated both sides. चलो उसको वैसे ही दिखा देता हूँ आपको. एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता. देखो इधर. That is not what I was doing, but ठीक है अभी आपको समझ गए. वैसे ही कर लेते हैं. देखो अभी आप क्या करो, यहाँ से dy की वैल्यू को लिख लो. This is g of x into dx. एंड अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लो. सो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. हैप्पी? तो अभी आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy विल बी इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x into dx, राइट? है ना? यस सर. अच्छा बताओ मुझे कि इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या होगा, y होगा या नहीं होगा? इंटीग्रेशन ऑफ dy y होगा. यस सर. ठीक है, तो इसका मतलब कि आपके पास अगर इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx निकालना है तो वी कैन राइट दिस एज y एंड y क्या था, f ऑफ x था ना, है ना? यस सर. तो अब अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो मैंने fx को डिफरेंशिएट किया मुझे gx मिला और gx को मैंने इंटीग्रेट कर दिया तो क्या मिला मुझे, fx मिला या नहीं मिला? हां सर. यस सर. तो यही कांसेप्ट है बेसिकली रिवर्स बोलने का मतलब. तो इसमें आपको ये याद रखना है कि जो भी डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है उसी का जस्ट यू नो आपको अगर क्रॉस चेक करना है कोई चीज का, जैसे अगर मैं आपको कोई चीज का बोलूं इंटीग्रेशन का, सपोजली मैं आपको बोल रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स आता है, सपोजली मैंने आपको बोला इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स आता है तो मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं ये कैसे चेक कर सकते हैं? अगर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स है तो कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करने पर मुझे साइन एक्स मिलना चाहिए ना. यस सर. बट क्या मिलेगा हमें cos x को डिफरेंशिएट करने पे, हमें क्या मिलता है, माइनस sin x मिलता है ना. हाँ सर. cos x को डिफरेंशिएट किया तो माइनस sin x मिलेगा, जबकि मैं क्या बोल रहा था, सिर्फ sin x बोल रहा था और वो तो गलत हो गया ना, है ना? हुआ नहीं हुआ? यस सर. तो इसका मतलब ये निकला कि अगर आपने अगर अगर आपने sin x को इंटीग्रेट किया होता तो फिर आपको cos x नहीं मिलता, वहां पे माइनस cos x मिलता. ठीक है, तो यही बेसिकली इसकी मतलब है. इसमें अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन मैं कर रहा हूँ इसमें लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन नहीं डाल रहा हूँ. लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन नहीं डालने का मतलब है इसको हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं. दिस इज कॉल्ड एज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन व्हेन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर नॉट गिवन. लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर नॉट गिवन then we call it indefinite integration. Indefinite integration. And when limits are given, then it's a definite integration. It's a
definite integration. Definite और indefinite जो है वो basically आपको ना अभी समझ आएगा क्यों नाम देते हैं ऐसा. जैसे supposedly अगर मैंने बोला कि मैंने बोला कि आपको sin x को integrate किया तो minus cos x मिला. तो minus cos x तो variable है ना या constant है, ये बताओ मुझे. Variable क्यों? क्योंकि वहां पे कोई x की value तो हमने put नहीं की है. अगर आप x की वैल्यू पुट करोगे तब तो वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा ना. जैसे मैं बोलूँ cos ऑफ 30 डिग्री में बोल दो तो cos 30 तो फिक्स वैल्यू है, बट cos ऑफ थीटा बोलो तो क्या वो फिक्स वैल्यू है? नो सर. नहीं. तो इसीलिए जब आप इंटीग्रेशन में लिमिट्स नहीं डालते, जैसे देखो इंटीग्रेशन ऑफ gx dx मैंने लिखा है, उसको मैंने fx लिखा है, तो क्या हमने उसमें वैल्यू डाली x की? और जब हम वैल्यू नहीं डालते हैं तब हम उसको कहते हैं कि वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है. क्यों? क्योंकि उसका कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं आ रही है, वो क्या एक वेरिएबल एक्सप्रेशन है. बट जब आप लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन डाल देते हो तब उसको क्या कहते हैं? डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं. समझ जाइए आपको, क्योंकि उसमें डेफिनेट वैल्यू मिलेगी. क्लियर है ये? यस सर. हां सर. यस सर. ओके. इसमें एक और चीज आप फॉलो करने की कोशिश करो. जैसे सपोजली मैं इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट जो है, मतलब लास्ट स्टेप का जो इंटीग्रेशन का रिजल्ट है, मैं एक बार इसको चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ. सपोजली मैं इसको ऐसा लिखूँ, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड प्लस f of x plus c लिख लिया, ठीक है. c is a sum constant. ये c को हम कोई भी एक constant मान रहे हैं. This is इसको integration constant कहते हैं. Integration constant. तो इस constant को डालने से क्या हमारा effect पे मतलब हमारे result पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये सोचे देखो. आपको क्या बताया था मैंने कि जब भी मैं बोलता हूँ, तुम सोचो, जब भी मैं कहता हूँ कि किसी भी इंटीग्रेशन पे, यू नो, अगर मैं बोल रहा हूँ gx का इंटीग्रेशन इज fx plus c, इसका मतलब fx plus c को जब हम डिफरेंशिएट करें तो मुझे gx मिलना चाहिए. यस सर. मिलना चाहिए ना, राइट. अब आप ये सोच के देखो, fx plus c में fx का डिफरेंशिएशन क्या था? gx था या नहीं था, ये हमने माना था ना. हाँ सर. था ना, राइट. और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो वैसे भी जीरो होता है, होता है नहीं होता? यस सर. इसका मतलब fx plus c का डिफरेंशिएशन वही होगा जो fx का डिफरेंशिएशन होगा. हां सर. यस यस. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? gfx आ गया ही नहीं आ गया, है ना? समझ आई आपको? यस सर. तो दिस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑलवेज नीड्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. जब भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होगा तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना मत भूलना. ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमेशा आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में ऐड करना है. क्यों? क्योंकि हो सकता है इसकी वैल्यू जीरो हो, दैट इज अ कोइंसिडेंस, यू नो, कि इसका वैल्यू जीरो जाए, बट हो सकता है इसकी वैल्यू जीरो ना भी हो. अब इसकी वैल्यू जीरो है या नहीं, ये तो सिचुएशंस पे डिपेंड करता है. अभी फिलहाल के लिए बस आप इतना समझने की कोशिश करो, जब भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होगा तो आपको लास्ट में इंटीग्रेशन के रिजल्ट के बाद एक सी लिख देना है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है? ये बात सबको समझ आई है? यस सर. इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, indefinite integrations there will always be a constant of integration added to the result of integration. This may or may not be zero. This may or may not be zero. ठीक है? But अगर आप definite integration कर रहे हो तो उसमें इसका कोई role नहीं है. In definite integrations, this constant has no role. Constant has no role to play.
अब वो क्यों है देखो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो जैसे इंटीग्रेशन ऑफ, जब हमने लिखा जी ऑफ एक्स डी एक्स और इसमें लिख रहे हैं अब एक्स वन से एक्स टू, तो इसको लिखा आपने एफ ऑफ एक्स प्लस सी हो, और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखा लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, तो आप ऐसे लिखते हैं एक्स वन से एक्स टू, मतलब ये इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट्स लिखने का तरीका ऐसा होता है, एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं और उसमें नीचे में एक्स वन और ऊपर में एक्स टू लिख देते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इस फंक्शन में पहले अपर लिमिट डालना है और फिर लोअर लिमिट डालना है, और उसके बाद फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है, मतलब पहले ऊपर वाला वैल्यू डालो फिर नीचे वाला वैल्यू डालो और फिर सबट्रैक्ट कर दो आपस में। तो इसको अगर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, एफ ऑफ एक्स टू प्लस सी माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स वन प्लस सी। अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो सी कट जा रही है, दिख रही है आपको? और बचा क्या आपके पास, एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में देखो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का कोई रोल ही नहीं है, अगर आप लिखोगे भी तो अननेसेसरी आप अपना जगह ही खा रहे हो और कुछ नहीं है, मतलब बेसिकली उसको लास्ट में कटना ही है तो उसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में कभी भी ये कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है, इनडेफिनेट होगी तो जरूर लिखने की जरूरत है। ठीक है, ये बात समझ आई है सभी को? ठीक है, हाँ सर। ओके, तो अभी आपको ये कंसेप्चुअली इंटीग्रेशन का मैंने बस आपको मतलब बताया है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन का कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आप याद रखिएगा। ठीक है, जैसे डिफरेंशिएशन में स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं वैसे इंटीग्रेशन में भी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, उसको आपको याद रखनी है। सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पे मैं y की वैल्यू लिख रहा हूँ और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ y dx लिख रहे हैं। ठीक है, तो y अगर मान लो आपके पास x to the power n है, x वेरिएबल है और n कोई भी एक रियल नंबर है। ठीक है, बट एक चीज का ध्यान रखना, n आप माइनस वन नहीं होनी चाहिए, बस माइनस वन को छोड़ के बाकी जो भी वैल्यू है सारा हो सकता है। तो इस केस में इसकी वैल्यू आती है x to the power n plus 1 by n plus 1। अगर यही, अगर x to the power minus 1 हुआ होता, मतलब बेसिकली 1 बाई एक्स हुआ होता, तो इसका बेसिकली ln x हो जाता। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, जो भी रिजल्ट मैं लिख रहा हूँ उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्रॉस चेक करने का तरीका क्या है, आप उल्टी तरफ से डिफरेंशिएट करके देखो, क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ y का इंटीग्रेशन RHS में है, इसका मतलब RHS का डिफरेंशिएशन LHS में है या नहीं है? तो एग्जैक्टली सेम चीज आप सोच सकते हैं, तो आप RHS को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो आपको LHS वाला क्वांटिटी मिल जाना चाहिए। ठीक है, वैसे ध्यान रखेंगे, अगर आपके पास साइन एक्स है तो इसमें आपका माइनस कॉस एक्स होगा, अगर कॉस एक्स है तो इसमें सिर्फ साइन एक्स होगा, एक्स आता है तो वो ई टू द पावर एक्स ही रहेगा। अगर आपको sec square x दिखता है तो ये tan x हो जाएगा, बस इतना ही काम का है, इससे ज्यादा हमारे फिजिक्स में काम का नहीं, फॉर्मूला सब है बट फिजिक्स में इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब इनमें भी इंटीग्रेशन में भी कुछ छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, मतलब रूल्स हैं जो हमारे काम के आते हैं, वो मैं लिख दे रहा हूँ, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। पहला एडिशन और सब्सट्रैक्शन रूल, ये कहता है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स मान लो, या एफ वन एक्स ये है आपका जी वन एक्स, एंड इंटीग्रेशन ऑफ एफ टू एक्स डी एक्स इज जी टू एक्स, देन अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स ये निकालना है, तो इससे आप सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ वन एक्स डी एक्स एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ टू एक्स डी एक्स, एंड उसके बाद फिर ये हो जाएगा जी वन एक्स एंड इधर हो जाएगा आपका जी टू एक्स। अगर ये प्लस की जगह माइनस होता तो अकॉर्डिंगली आप माइनस से यहाँ पे रिप्लेस कर देते। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे डिफ्रेंशिएशन में है।
इंटीग्रेशन में मल्टीप्लिकेशन रूल आपको रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं जस्ट ये लिख दे रहा हूँ ताकि आपको लगे कि मैं मिस नहीं किया हूँ, मैं काम का नहीं है इसलिए बता नहीं रहा हूँ, ठीक है. मल्टीप्लिकेशन रूल नॉट रिक्वायर्ड, और डिफरेंशिएशन रूल होता ही नहीं है, देयर इज नो डिफरेंशिएशन रूल, डिविजन रूल, देयर इज नो डिविजन रूल. हाँ, एक कोएफिशिएंट रूल यहाँ पे भी है, उसको ध्यान रखिएगा. कोएफिशिएंट रूल, कोएफिशिएंट रूल क्या कहता है कि अगर मान लो अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, मान लो आपको ये मिलता है जी एक्स है, ठीक है, देन अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स करनी है तो इसकी वैल्यू को आप लिखेंगे जी ऑफ एक्स एंड डिवाइडेड बाई ए कर लेंगे, सॉरी जी ऑफ एक्स प्लस बी, जी ऑफ ए एक्स प्लस बी एंड डिवाइड बाई. आपको याद है डिफरेंशिएशन में कोएफिशिएंट रूल में हम जो एक्स का कोएफिशिएंट उससे मल्टीप्लाई करते थे, याद है? हाँ सर. यस सर. और इंटीग्रेशन में हम वही काम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड रिजल्ट जो होगा वही लिखेंगे बट वहां पे डिविजन कर देंगे. जैसे जैसे आप सोच के देखो, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, जैसे मान लो कभी आपको ऐसी जरूरत पड़े, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ टू एक्स डी एक्स की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, तो साइन ऑफ टू एक्स डी एक्स का अगर जरूरत पड़ेगा तो देखो एक्स अगर साइन एक्स डी एक्स होता तो साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता, माइनस कॉस एक्स होता, तो यहाँ पे वही चीज लिखेंगे, दिस विल बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ टू एक्स लिखो, बट एक्स का कोएफिशिएंट कितना है टू, तो वो टू से आपको क्या करना है, वापस से यहाँ पे डिवाइड कर देना है, यू आर सपोज टू डिवाइड इट एंड लास्ट में बस एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देना. समझ आया आपको क्या करना है? समझ आया आपको क्या करना है? ठीक है, देखो इधर, सपोजली आपको इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई ए एक्स प्लस बी निकालना है, ठीक है, तो इसको ऐसे सोचो, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई ए एक्स प्लस बी एंड इंटू डी एक्स है. अगर ऐसे सोचो सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स डी एक्स होता तो ये एल एन एक्स होता या नहीं होता, ठीक है, तो इसका मतलब है क्या इसको हम ऐसा ले सकते, दिस इज एल एन ऑफ ए एक्स प्लस बी एंड एक्स का कोएफिशिएंट ए है तो a से डिवाइड कर देंगे एंड फिर लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दो. समझ आया आपको? सर ये पार्ट और एक बार बोलेंगे. अगर सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx होता, 1 बाय x dx, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, ln x होता है ना, है ना, क्योंकि ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x होता है, तो 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln x हो जाएगा, तो 1 बाय x अगर होता तब ln x होता, बट क्या हमारे पास 1 बाई एक्स को इंटीग्रेट करना है, 1 बाई ए एक्स प्लस बी को इंटीग्रेट करना है. पॉइंटेड आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो फिर आपको जवाब देना पड़ेगा ना, कुछ छोटे छोटे जवाब पूछ रहा हूँ आपको, 1 बाई एक्स इंटीग्रेट करना है या 1 बाई एक्स प्लस बी इंटीग्रेट करना है, 1 बाई एक्स प्लस बी, तो एक्स का कोएफिशिएंट उसमें कितना है, ए, तो कोएफिशिएंट रूल क्या कहता था, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट है वही लिखना है आपको, बस आपको लास्ट में आपको क्या करना है, जो कोएफिशिएंट है एक्स का उसे डिवाइड कर देना है. हां सर, ठीक है, ठीक है, हां सर. देखो तो ये आपकी इंटीग्रेशन हो गई. देखो एक और देखो, सपोजली आपको इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx फाइंड आउट करना है. अब cos इंटीग्रेशन तो आपको पता है, cos स्क्वायर का तो नहीं पता है. अब cos स्क्वायर जब भी आपको दिखे या sin स्क्वायर दिखे ना, तो cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला यूज करना. आपको अगर ये पता हो तो cos ऑफ 2x इसको कैसे लिखते हैं आप, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x लिखते हैं, नहीं लिखते है? लिखते हैं ना. हां सर. और इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो इसको आप वापस से ऐसे लिख सकते हो, दिस इज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या इसको 1 माइनस ऑफ 2 sin स्क्वायर x भी लिख सकते हो. तो देखो अभी मुझे क्या चाहिए, cos square x चाहिए, तो cos square को मैं cos 2x के टर्म्स में ब्रेक कर सकता हूँ ना. यहाँ से देखो आपके पास cos square x ये कितनी आ रही है, 1 plus cos of 2x and this whole quantity divided by 2, आ रही है क्या, आ रही है? Yes, sir. So therefore integration of cos square x dx can be written as 1 by 2 constant बाहर आ गया and integration of 1 plus cos of 2x dx. आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ आया आपको?
अब इसको ऐसे ब्रेक कर लो, अब यहाँ पे एडिशन रूल लग जाएगा, तो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ टू एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। आराम से कर सकते हैं, इंटीग्रेशन डी होगा x हो जाएगा एंड cos of 2x का इंटीग्रेशन, cos of 2x इंटीग्रेशन विल बी sin of 2x एंड देन x का कोएफिशिएंट इज 2 तो 2 से डिवाइड करेंगे एंड फिर लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देंगे। समझ गए? सब कुछ समझ आ रही है? हां सर। हां सर। हां सर। ठीक है। ओके, जैसे मान लो आपको कभी ऐसा सिचुएशन दिखाई दे कि जैसे इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो आपको निकालना है 2x प्लस से 4 dx इंटीग्रेटेड फ्रॉम से 0 टू 4 चाहिए, ठीक है, ये चाहिए, तो आप इसको दो पार्ट में ब्रेक करो, इसको आप कैसे लिखोगे? This will be 2 constant बाहर निकल गया, integration of x dx 0 से लेके 4 and plus integration of 4 constant बाहर निकल गया dx and integrated from 0 to 4। आपको समझ आ रही क्या क्या है? हाँ सर। Yes sir। And then this can be written as 2 into x square by 2 x to the power n plus 1। हाँ बोलो बेटा। बोलो। ओके, x dx का वैल्यू क्या होगा? x का पावर 1 है तो फॉर्मूला कहता था x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 करना है, तो x का पावर 1 है तो 1 प्लस 1 इज 2 तो इसलिए x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा ये, और अब आप लिमिट डालेंगे तो 0 से 4 लिखेंगे प्लस 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन dx इज x एंड फिर आप 0 से लेके 4 तक इंटीग्रेट करेंगे, तो इसकी वैल्यू देखो क्या हो गई, ये 2 2 कैंसिल आउट हो गई और यहां पे हो गया 4 का स्क्वायर मतलब 16 माइनस 0 का स्क्वायर एंड प्लस 4 into 4 minus of 0 and therefore this becomes 16 plus 16 which is 32, ये 32 आ गया। देखो इसमें मैंने इसको दो पार्ट में ब्रेक करके किया है, अगर इसको दूसरे तरीके से करें देखो और क्या कर सकते थे, कोएफिशिएंट रूल को डायरेक्टली भी यूज करते, इंटीग्रेशन ऑफ 2x plus 4 dx आपको चाहिए 0 से लेके 4 तक, ओके, ये देखो 2x plus 4 है मतलब ax plus b का फॉर्म वापस से देखो, अगर सिर्फ x होता तो उसको हम कैसे लिखते, x to the power n plus 1 by n plus 1 मतलब इसमें वही लिखेंगे तो 2x plus 4 का पावर 2 डिवाइडेड बाय 2, बट इस केस में यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, एक 2 है यहाँ पे x का कोफिशिएंट तो यहाँ पे 2 से भी डिवाइड करना पड़ेगा एंड फिर अब आप लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन डालेंगे तो 0 से लेके 4 तक डालेंगे। अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो ये वाली वैल्यू में 2x plus 4 में आप 2 को कॉमन आउट कर लो तो डिनोमिनेटर का 4 कट जाएगा, तो ये आ रही है बेसिकली x plus 2 एंड इसी का लिमिट आपको डालना है 0 से लेके 4 तक। Are you getting it? Yes, sir. Square करना है। कुछ गलत किया क्या? क्या गलत किया है? 2x plus 4 में से 2 common out किया, तो x plus 2 ही तो बच रहा है। और 4 4 कट गया। तो यहाँ से आपके पास आ रहा है 4 plus 2 6, 6 का square तो 36 हो जाएगा। And minus 0. ये तो 36 आ रही है, यहाँ पे तो कितना आ रहा था 32 आ रहा था, क्या गलत किया, किसमें गलत किया, किसी एक में गलत किया, कैलकुलेशन से करें 2x dx सर वहां से तो सिर्फ 2 कॉमन बाहर आ रहा है और नीचे तो 4 था 2 into 2 तो 2 का स्क्वायर आएगा ना बेटा बाहर, अगर बाहर निकालेंगे आप तो 2 का स्क्वायर बाहर आएगा ना। हाँ सर। हाँ तो 4 ही तो कटेगा ना पूरा, एक मिनट रुके देख लीजिए कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, 2 कॉमन आउट फर्स्ट एक्सप्रेशन से ही देखना शुरू करते हैं किसमें, किसी एक में हो सकता है, ऊपर वाले में गलती हो सकता है नीचे वाले में, हमें तो आंसर नहीं पता है। अच्छा एक बार रुके, एक और तरीके से दिखाएं फिर पता चल जाए कौन सा गलत है, अभी तुरंत चेक करते हैं। आपको ग्राफिकली ये करके दिखाते हैं, आपको सिग्निफिकेंस याद है जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं ना, आप देखो जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो इंटीग्रेशन वाला क्वांटिटी कौन है, 2x plus 4 है ना, इसका मतलब y की वैल्यू बेसिकली कितनी दे रखी है हमें, 2x plus 4 दे रखी है, क्या ये स्ट्रेट लाइन है? स्ट्रेट लाइन विद अ पॉजिटिव स्लोप एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट, देखो कुछ ऐसा आ रहा है, ये देखो आ रहा है ना ऐसा,
समझ आ रही है आपको? हाँ सर। ये जो सर। ये जो इंटरसेप्ट है देखो, ये इंटरसेप्ट बेसिकली 4 का है, और ये एंगल अगर थीटा मार्क करें तो टैन थीटा आपको 2 दे रखा है, वो स्लोप है। देखो हमें एरिया निकालना है 0 से लेके 4 के बीच में, तो मान लेते हैं ये 4 का मार्क है, तो अगर मैं x की वैल्यू को 4 डाल दूं, आई एम पुटिंग x का वैल्यू 4, तो 2 into 4 बिकम 8, 8 plus 4 is 12, इसका मतलब यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 12। आपको समझ आई क्या क्या मैंने अभी तक? समझ आई? Yes, sir. Okay. अभी इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया अंडर द ग्राफ विद द एक्स एक्सिस, तो हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। इज दिस अ ट्रेपेजियम? यस सर। एंड ट्रेपेजियम का एरिया तो निकालना आता है ना, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई सेपरेशन बिटवीन देम। हां सर। ये एरिया को अगर हमने ए मार्क किया, इफ आई एम मार्किंग दिस एरिया एज ए, सो इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 4 dx integrated from 0 to 4 will be the area which is A, and that will be half of sum of parallel sides which is 4 plus 12 multiplied by separation between them which is 4. So ye aapka 2 se kat gaya, 2 se kat gaya, aur 12 plus 4 is 16, 16 to the 32, iska matlab upar wala sahi tha, niche wale mein kisi calculation mistake ho rahi hai. टू एक्स प्लस फोर डी एक्स, जीरो से लेके 4 तक, 2 को कॉमन आउट किया हमने, एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, एक्स का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 2 से डिवाइड भी किया हमने, फिर 2 को कॉमन आउट किया अगर हमने तो 2 टू 4 निकलेगा, 4 तो कट ही जाएगा, तो बचेगा हमारे पास एक्स प्लस 2 ही बचेगा। ओहो हो, गलती क्या हुआ पता चल गया, देखो हमने लोअर लिमिट को 0 डाल दिया, वही गलती हो गई। देखो ये गलती हो गई ना, अगर हम लिमिट डालेंगे 0 तो हमें x plus 2 का वैल्यू कितना मिलेगा? हां सर, 2 मिलेगा ना? यस सर। अगर आप लोअर लिमिट 0 डालो तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा ना, और ये 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, तो देखो अभी 36 माइनस कितना हो गया 4, और कितना गया 32। गॉट इट? देखो मैंने आपको यही सेम एग्जांपल को आपको 3 तरीके से करके दिखाया है, ठीक। एक है पहले तो डायरेक्टली उसको तोड़ तोड़ के किया, फिर पोजीशन रूल लगा के किया, और उसके बाद फिर एरिया अंडर द ग्राफ के कांसेप्ट से किया। समझ आई है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, और भी फर्दर एप्लीकेशन को दिखाता हूँ। सपोज आपको कोई बोले कि एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करो, क्या आप एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर पाएंगे? आपको पता है ना एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर? पता है? नहीं पता है? यस सर। बट आपको कोई बोले डिराइव करो इसको, तो क्या डिराइव कर पाएंगे आप? देखो सपोजली हमारा एक सर्कल है, ठीक है, दिस इज सर्कल, और इस सर्कल की एरिया हमें फाइंड करने के लिए बोली गई है। वी आर सपोज टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस सर्कल। दे हैव गिवन अस दैट दिस रेडियस इज r, एंड दैट इज द ओनली क्वांटिटी दैट दे हैव गिवन अस, ठीक है। अब इसकी एरिया को निकालने के लिए, इसकी एक टोटल एरिया को अगर हम a मान रहे हैं, सपोजली दिस टोटल एरिया इज a, तो इसका एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया को हम dA बोलेंगे, इजंट इट? राइट। तो देखो मैं इसका एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया कंसीडर कर रहा हूं। देखो व्हाट आई डू इज, मैं इसके सेंटर से एक वेरिएबल डिस्टेंस r पे चला जाता हूँ, दिस इज r इज सम आर्बिट्री डिस्टेंस, और इस r डिस्टेंस का मैं एक सर्कल बना रहा हूँ। अभी आई एम ड्राइंग अ सर्कल हुज रेडियस इज r, आई गेट? उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे एक और पतला सा एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया, एकदम थिन सा सर्कल, मतलब ये थिन सा रिंग बने ताकि, एंड लेट अस से दिस थिकनेस ऑफ द रिंग इज dr, यहां का थिकनेस इज dr। देखो ये जो स्ट्रिप यहां पे दिखेगी आपको, देखो यहां पे देखो एक स्ट्रिप दिखेगी, ये स्ट्रिप एक रिंग है या नहीं है? है? यस सर। राइट। तो इस स्ट्रिप की एरिया अगर लिखनी हो तो कैसे लिखोगे आप?
how do you find out the area of this strip? Isko elemental area keh rahe. Now this strip is the elemental area. This is elemental area now. DA. Ab batao mujhe DA ki value kaise likhoge aap? How will you write DA? Do one thing. Cut the ring somewhere. कहीं पे भी काट दो आप इस रिंग को और उसके बाद फिर इसको खोल दो. सो आफ्टर कटिंग एंड ओपनिंग विल यू गेट अ स्ट्रेट लाइन ऐसा पतला सा. विल यू गेट इट ऑर नॉट? यस सर. व्हाट विल द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन बी? 2 pi. सर्कमफेरेंस लेंथ राइट. एंड व्हाट विल दिस थिकनेस बी? व्हाट विल दिस थिकनेस बी? So, क्या आपको एरिया मिल गया क्या आप देखो तो. सो एरिया डी ए कितनी हो गई 2 pi r इंटू डी आर. और अगर आपको टोटल एरिया चाहिए तो आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन ऑफ डी ए करनी है. और इंटीग्रेशन डी ए किया तो 2 pi कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर हो गया. अब आर को सोचो आपको ऐसे कहां से कहां तक लेना था, ऐसे पतले पतले रिंग आपको कहां पे लेना है? सिर्फ क्या एज पे लेना है या सेंटर से शुरू करके एकदम एज तक जाना है? आर तक. इसका मतलब ये जो स्मॉल r हमने लिखा है उसका लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा? जीरो से लेके कैपिटल r होगा ही नहीं होगा? जीरो टू कैपिटल r है ना. तो इसको जीरो से लेके कैपिटल लिख लिया और अब फॉर्मूला लगा लो. सो दिस बिकम्स 2 pi. दिस इज 2 pi एंड r dr. इसका मतलब क्या हो जाएगा? r स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 2 एंड अब आप लिमिट डाल दो जीरो से लेके कैपिटल r तक. तो 2 2 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया? पाई r स्क्वायर हो गया. गॉट इट? समझ आई सबको? Yes, sir. Are you getting it? Yes, sir. तो इसी तरह से basically छोटे-छोटे आपको applications अभी दिखाया मैंने. बाकी तो फिर जैसे-जैसे आप इनो chapter पे progress करेंगे, वैसे-वैसे आप सीखते चले जाएंगे. ठीक. चलो integration में इतना हमारे काम का है. इससे ज़्यादा अभी इनो ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बाकी तो chapter के साथ सीखेंगे. हम इसके अब आगे बढ़ते हैं. आपको थोड़ा सा sequence and series बता देता हूँ. वो वाला part थोड़ा बचा हुआ है. सीक्वेंस एंड सीरीज. सीक्वेंस एंड सीरीज में हमारे लिए दो काम का है. पहला है आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसको इन शॉर्ट एपी भी कहते हैं. एपी बेसिकली इसमें एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होते हैं. सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हैं जो कि कंसेक्यूटिवली अगर आप देखोगे ना तो वो एक फिक्स डिफरेंस पे होते हैं. सो अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड वन आफ्टर द अदर where the every you know succeeding number you know differs by a constant number with respect to preceding number, unko hum arithmetic progression kehte hain. jaise agar aise dikha rahe a1 a2 a3 aise karke agar maine elements likhe n number tak, to is case mein agar a1 keh rahe hain to isko let us say ki agar aapka a1 ka value ko humne a likha hai and jo difference ka factor usko common difference kehte hain, common difference isko humne d likh rakha hai. तो A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप ये बताओ? A2 हो जाएगा A plus D राइट. A3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? A plus 2D. और ऐसे ही अगर आपको AN निकालना है, nth, तो क्या हो जाएगा? A plus N minus 1 into D. होगा नहीं होगा? राइट? यस सर. ठीक है. तो इस तरह से आप बेसिकली फर्स्ट टर्म अगर आपको पता है और कॉमन डिफरेंस पता है तो nth टर्म आप इसका निकाल सकते हैं. सो AN इज द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस. दिस इज nth term of AP. ठीक है. अब इसमें क्या है, इसमें एक रिजल्ट है सम ऑफ n टर्म्स का. सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स वो कितनी आती है वो आपको याद रखनी है. सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP ये रिजल्ट है, आपको याद रखनी है. ठीक है, मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ. इसमें Sn इंडिकेट करते हैं और इसकी वैल्यू कम्स आउट टू बी n/2 इंटू 2a+n-1 into d आती है. ठीक है, ये रिजल्ट आप याद रखिएगा. इसी को बहुत लोग दूसरे तरीके से भी अरेंज करके लिखते हैं. दिस इज आल्सो रिटन एज n/2 into, इसको ब्रेक करते हैं, a+n-1 into d, ऐसे भी लिखते हैं. अगर आप नोटिस करोगे तो a+n-1 into d ये क्या है? लास्ट टर्म से क्या नहीं है, nth टर्म मतलब क्या लास्ट टर्म ही तो हुआ ना, क्योंकि फर्स्ट n टर्म्स का ही तो सम आप निकाल रहे हैं. तो इसको आप ऐसे ले सकते हो, दिस इज n/2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ऐसे भी ले सकते हैं आप इसको. ठीक है, अब इसको यूज करके आप डायरेक्टली
एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट देखो कौन सा बनता है. अगर आपको सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर चाहिए, मतलब इसको ऐसे देखें 1+2+3+ ऐसे करके एन तक, देखो तो ये क्या एपी है, क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है? यस सर. यस सर. तो इसमें इसमें आपका सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स कितना होना चाहिए? एन बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होना चाहिए ना, है ना? यस सर. इसको ऐसे लिखते हैं एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू. इसको ऐसे याद रखते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स कितनी होती है? एन इंटू एन प्लस वन बाई टू होती है. क्लियर है सबको? यस सर. ओके, ये हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अब ऐसा ही एक और सीक्वेंस है इसको जिसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इन शॉर्ट इसको जीपी कहते हैं. जीपी. ओके, अब इसमें भी क्या होता है, एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होते हैं, बट इसमें जैसे पिछली बार की कंपैरिजन, पिछली बार क्या कर रहे थे आप, अगर यू नो सक्सीडिंग नंबर को प्रीसीडिंग नंबर से अगर आप डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो एक कांस्टेंट डिफरेंस मिल रहा था. इस बार क्या होगा, सक्सीडिंग नंबर को प्रीसीडिंग नंबर से जब आप डिवाइड करोगे तो वो डिवीजन से फैक्टर जो मिलेगा वो आपको कांस्टेंट मिलेगा, मतलब एक कॉमन रेशियो आती है यहाँ पे. सो अगर आपने ऐसे सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ले रखा है a1 a2 ऐसे करके an तक लिख रखा है, एंड तो अलर्ट से कि हमने फर्स्ट टर्म जो a1 है उसको हमने a मान लिया, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ठीक है. एंड कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो कहते हैं यहाँ पे, कॉमन रेशियो इज r. देन अगर मैं a2 पूछूं आपसे तो कितना हो जाएगा, ar होगा, क्या होगा? नहीं होगा. सो क्योंकि a2 by a1 एक कांस्टेंट क्वांटिटी आना चाहिए और वो कांस्टेंट क्वांटिटी बेसिकली आपका r कहला रहा है. तो अगर a3 निकालोगे आप तो क्या ये ar स्क्वायर होगा? होगा नहीं होगा, क्योंकि a3 और a2 का रेशियो भी बेसिकली वही होना चाहिए जो a2 और a1 का होना चाहिए, ठीक है. फिर वैसे ही करके अगर आप nth पे जाओगे, an लिखोगे तो क्या लिखोगे, a into r to the power n minus 1 लिखोगे. Got it? ये आपका nth term हो गया. बेसिकली आपको ध्यान रखना कि यहाँ पे कर क्या रहे हैं आप, कर क्या रहे हैं आप, यहाँ पे पिछली बार सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, डिफरेंस कांस्टेंट दिखा रहे थे, यहाँ पे आप कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो जो है वो कांस्टेंट दिखाएंगे, मतलब a2 by a1, a3 by a2, ये आपका सारा सेम होना चाहिए, ये आपका an by an minus 1 से मैच करना चाहिए और ये सारा आपका आर होना चाहिए, ठीक है. यही बेसिकली आपका जीपी का मतलब होता है. अब इसमें अगर आप सम ऑफ एन टर्म्स निकालते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स अगर निकालेंगे, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स अगर ये कैलकुलेट करते हो आप, तो इसकी वैल्यू आएगी एस एन लिख रहे हैं इसको, दिस विल बी ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन बाय आर माइनस वन, ये लिखते हैं, दिस इज दी फर्स्ट एन टर्म्स का सम, ठीक है. अब इसमें एक केस है जो हमारा बहुत ज्यादा यूज होता है फिजिक्स में, बहुत ज्यादा यूज होता है, वो ये वाला केस है जिसमें आपका कॉमन रेशियो का मैग्नीट्यूड 1 से कम होता है और जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं ना, नंबर ऑफ टर्म्स वो सारे आपके इनफाइनाइट होते हैं, मतलब इन्फिनिटी तक जा रहा है. अब इस सम को जैसे दो तरह के सिचुएशन होते हैं, एक होता है हम जीपी में एक कहते हैं कन्वर्जिंग सीरीज और एक कहते हैं डाइवर्जिंग सीरीज. कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का मतलब क्या है, जैसे अगर मान लो कि कंसेक्यूटिव टर्म्स जब आप निकालते जा रहे हो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक और वैल्यू बढ़ता जा रहा है तो उसको डाइवर्जिंग सीरीज कहते हैं. उसमें अगर आपको पूछा जाए कि nth टर्म कितना होगा तो आप श्योर हो, मतलब nth टर्म में अगर इनफिनिट है, मान लो n की वैल्यू इनफिनिट है, माने फाइंड आउट द इनफिनिट टर्म, तो उसके में जो वैल्यू आएगा वो डेफिनेटली इनफिनिट आएगा. जैसे कॉमन रेशियो मान लो 2 है, तो अगर आप वैल्यू निकालोगे तो एक इनिशियल टर्म है a एंड 2 के पावर में आप इन्फिनिटी रेज कर दोगे, तो इन्फिनिटी रेज किया तो 2 का पावर में तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिट ही तो होगा ना. आर यू गेटिंग इट? यस सर. यस. बट इमेजिन करो कि ये कॉमन रेशियो अगर 1 से छोटा होता, कॉमन रेशियो 1 से छोटा जैसे हाफ है सपोजली, हाफ अगर इसका पावर आप बढ़ाते जाओगे ना, हाफ का पावर बढ़ाते जाओगे तो वैल्यू एक्चुअली छोटा होता जाएगा, क्योंकि हाफ का पावर 1 इज हाफ, बट हाफ का पावर 2 इज 1/4, हाफ का पावर 3 इज 1/8. तो अगर देखोगे तो डिनोमिनेटर बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर अगर बढ़ता जा रहा है तो ओवरऑल वैल्यू घट रहा है, नहीं घट रहा है? हाँ सर, घट रहा है. एक चीज सोच के बताओ कि अगर मैं हाफ का पावर को इनफाइनाइट कर दूं तो क्या वैल्यू जीरो नहीं हो जाएगा? होगा या नहीं होगा? तो इस तरह के सीरीज में जहां पे आपका कॉमन रेशियो 1 से छोटा आता है
उसको हम कन्वर्जिंग सीरीज कहते हैं, क्योंकि ये सारा जो ये जो सीरीज है इसका इन्फिनिट टर्म जो होगा वो सारा बेसिकली आपका जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, बट अगर कॉमन रेशियो की वैल्यू वन से बड़ी होती है तो उसको डाइवर्जिंग सीरीज कहते हैं, और उसमें कभी भी इन्फिनिट टर्म नहीं पूछेंगे या इन्फिनिट टर्म का सम नहीं पूछेंगे। इन्फिनिट टर्म का सम तभी पूछ सकते हैं जब आपका कॉमन रेशियो जो है वो वन के मैग्नीट्यूड से छोटा होगा। आपको समझ आई क्या बोला मैंने? Yes, sir. तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है, इसको एक अलग से लिख दे रहा हूं मैं, सो स्पेशल केस की तरह लिख दे रहा हूं, स्पेशल केस, ये काफी फ्रीक्वेंटली यूज होता है हमारा। स्पेशल केस क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ आर आपका बहुत सॉरी सिर्फ छोटा होगा वन से, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज लेस देन वन एंड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज टू बी फाउंड आउट, इनफाइनाइट जीपी इज टू बी फाउंड। अब आप ये सोच के बताओ, अगर r का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है तो r का पावर इनफाइनाइट किसको टेंड करेगा? जीरो को टेंड करेगा, नहीं करेगा? जीरो सर। यस सर। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी समझाया। तो अब सोच के देखो, जब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स आप लिखोगे तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, a इंटू जीरो माइनस वन डिवाइडेड बाय r माइनस वन, लिख सकते हैं? नहीं? यस सर। तो देखो आपके पास एक्सप्रेशन क्या है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स कितनी होगी, a बाय 1 minus r, got it? ये आपका काफी frequently use होता है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है? आपने जो एक question पूछा था number 23 या कौन सा था, वो इसी का था, 23 या 73, 63 ऐसे कुछ था, 68, वो इसी का था, ठीक है? Okay sir। देखो जैसे मैं आपको करके भी दिखा दे रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर imagine करो, अगर आपको ये निकालना है 1 minus 1 by 2 plus 1 by 4 minus 1 by 8 प्लस करके ऐड करते चले जा रहे हैं, दिस इज अप टू इनफिनिटी, क्या रखा है उसमें, इनफिनिट तक करना है। देखो तो आप कॉमन रेशियो कितना आ रहा है इसमें, कॉमन रेशियो कितनी आ रही है, कॉमन रेशियो कितनी आ रही है, माइनस हाफ। गुड, सो कॉमन रेशियो आपकी कितनी हो गई, माइनस हाफ, एंड फर्स्ट टर्म कितना है आपका 1, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या होगी, a by 1 minus r, so 1 by 1 minus minus half and that becomes 2 by 3, clear hai? Yes sir, yes sir, theek hai, okay। agar maan lo ki aapko bol rakha hai kisi ne, if a and b are two numbers maan lo, theek hai, a and b are two numbers, then if c is said to be pehla arithmetic mean isko am kehte hain, am of a and b, then a c b are in ap। आपको समझ आया क्या लिखा है मैंने? अगर a और b दो नंबर है और उनके बीच अगर हम कह रहे हैं कि उनका एरिथमेटिक मीन है c, इसका मतलब a, c और b अगर आप देखोगे तो वो तीनों ap में आएंगे। आपको मतलब समझ आया? हाँ सर। तो इस केस तो देखो क्या, देखो तो इस केस में क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, c माइनस a शुड बी इक्वल टू b माइनस c, लिख सकते हैं क्या? यस सर, यस सर, यस सर। तो c की वैल्यू कितनी आई देखो, तो a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 आई, क्या आई? यस सर। तो अगर आपको अरिथमेटिक मीन बोले, अरिथमेटिक मीन का सिंपली मतलब है एवरेज, याद रखना, ठीक है? क्योंकि एवरेज करना होता तो क्या करते हैं आप, इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 करते हैं, नहीं करते हैं? ऐसा करते हैं ना? यस सर, राइट। मतलब ये दो वैल्यू का अगर मैंने बोला एवरेज कितना है, 2 और 4 का एवरेज कितना है, तो आप 2 प्लस 4 बाय 2 यही तो करते हैं, एग्जैक्टली वही चीज करना है। अरिथमेटिक मीन का मतलब है एवरेज ले लेना है, ठीक है? अब दूसरा, अगर यही उसने ज्योमेट्रिक मीन कह दिया होता, ज्योमेट्रिक मीन इसको जीएम कहते हैं, जीएम ऑफ ए एंड बी, देन अब हम कहते हैं कि ए सी और बी आर इन जीपी हो जाता, अगर ये जीपी में होते तब वो ज्योमेट्रिक मीन में कहलाते हैं। तो इस केस में क्या हम ऐसा ले सकते हैं, सी बाई ए, C by A is equal to B by C, कैसा लिख सकते हैं क्या? Yes sir।
सो देखो तो सी की वैल्यू कितनी आ रही है, सी सब रूट ओवर ए बी, दैट्स इट। तो अगर आपको अरिथमेटिक मीन कह रखा है तो ए प्लस बी बाई टू कर देना है, और अगर ज्योमेट्रिक मीन कह रखा है तो रूट अंडर ए बी कर देना है। समझ आया आप सभी को? यस सर। यस सर। ओके। एम और जीएम में से कौन बड़ा होगा? एम सर। एम कैसे? कैसे? कैसे कैसे बताइए सर। एग्जांपल लेके बोला मैं तो। अच्छा कोई रैंडम वैल्यू लेके बोल दिया क्या? टू एंड थ्री लेके। अच्छा अच्छा नहीं नहीं वो तो ठीक है, तो अगर एक के लिए सेटिस्फाई करेगा तो हर किसी के लिए सेटिस्फाई करेगा ऐसा जरूरी है क्या? नहीं सर। हाँ तो फिर आपको तो किस तरह से प्रूव करना पड़ेगा ना। देखो आपने जो हिडन ट्रायल किया है उससे सही आंसर आ रहा है। देखो ऐसे कर सकते हैं आप, जैसे कभी भी ये पता करना है ना कि जैसे कोई एक चीज बड़ी है या छोटी है किसी से, तो उनका डिफरेंस चेक कर लिया करो कि कौन सा बड़ा है। ठीक है तो लेट अस से मान लेते हैं, मैं ज्यूम करता हूँ। ठीक है देखो अपने आप समझ में आ जाएगा। लेट अस से कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, ऐसा कह दिया मैंने। ठीक है ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है अगर कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा तो अपने आप ही समझ जाएंगे उल्टा होगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि अरिथमेटिक मीन का अगर, अच्छा वैल्यू लिख देते हैं एक बार। अरिथमेटिक मीन था आपका a प्लस b बाई टू, दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट अंडर ए बी। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो a प्लस b का होल स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4ab। कैसा लिख सकते हैं? यस सर। यस सर। ओके देखो अभी क्या ऐसा लिख सकते हैं कि a माइनस b का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस सर। यस सर। अब सोच के देखो LHS एक स्क्वायर किया, जब आपने LHS में देखो स्क्वायर ऑफ अ नंबर है, स्क्वायर ऑफ अ नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा ही नहीं होगा, या तो जीरो या तो पॉजिटिव। अगर a और b सेम हो गए, आई गेटिंग इट, अगर a और b सेम हो गया तब जीरो हो जाएगा, और अगर a और b डिफरेंट है तो कोई भी बड़ा हो मैटर नहीं करता है, a माइनस b का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा ना। इसका मतलब दिस इज ट्रू और नॉट, ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a एंड b, ऑल वैल्यूज ऑफ a एंड b, and therefore आप कंक्लूजन क्या निकला, हमारा assumption सही था, so arithmetic mean will always be greater than or equal to geometric mean। समझ आई आपको? Yes sir। Yes sir। तो दो नंबर का arithmetic mean हमेशा उनके geometric mean से बड़ा होता है या equal भी हो सकता है अगर अगर दोनों numbers खुद ही equal हैं तो। Okay, basic mathematics में इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना अगर आपको पता है तो फिर आपके काम का काफी कुछ आपको पता है। ठीक है इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर जाते हैं। बोलिए बेटा। सर अगर ए और बी इक्वल होंगे तो वो एपी या जीपी कैसे होगा सर? तो एक ही नंबर चलता रहेगा। हाँ मतलब अरिथमेटिक अगर अगर आप दोनों नंबर अगर सेम ले रखा है तो उस केस में बेसिकली ऐसे सोच के देखो, अगर मैं 6 और 6 ले रहा हूँ तो 6 और 6 के बीच का एम भी जी 6 है और जीएम भी 6 है। देखो प्रूफ हो जाएगा, 6 6 6 तीन नंबर ले लो, तीनों का दोनों का डिफरेंस कितना है, जीरो है या नहीं है? यस सर। तो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा मैथमेटिकली? ठीक है अब रेशियो लेके देखो, 6 6 6 है, रेशियो लो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना, तो क्या सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है? यस सर। ठीक है तुम सोच रहे हो बेसिकली कि 1 नहीं होना चाहिए कॉमन रेशियो, और सोच रहे हो कॉमन डिफरेंस 0 नहीं होना चाहिए, तो वैसा कुछ नहीं है। ठीक है ठीक है अभी देखो, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं, जो हमारा पहला चैप्टर मतलब जो वेक्टर्स के बाद जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का, बेसिकली डायरेक्टली मैथमेटिकल टूल्स को तो हम फिजिक्स का चैप्टर नहीं मानते, वो तो बेसिकली एडिशन की तरह पढ़ाना पड़ता है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा यूनिसन मेजरमेंट है, यूनिसन मेजरमेंट। सबसे पहली चीज ये है कि जैसे यू नो आप यूनिट का मतलब क्या समझते हो, हाउ डू यू अंडरस्टैंड यूनिट, यूनिट क्या है? जैसे आप कोई भी चीज को जब आप मेजर करते हो, सोचो कोई भी चीज को मेजर करते हैं, मेजरमेंट हम किसका करते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी का ना करते हैं, नहीं करते हैं? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? कोई भी चीज जो मेजरेबल होती है उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे इमोशन है, इमोशन मेजरेबल नहीं है, उसको आप फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोल सकते। अगर हम अपने वेट की बात करें
तो हम उसको यू नो कह सकते हैं कि वो एक मेजरेबल क्वांटिटी, इसलिए वो फिजिकल क्वांटिटी है. दैट्स अ फिजिकल क्वांटिटी. एनी फिजिकल क्वांटिटी विच इज मेजरेबल, मतलब एनीथिंग विच इज मेजरेबल इज नोन एज अ फिजिकल क्वांटिटी. एनीथिंग विच इज नॉट मेजरेबल, मतलब उसको आप मेजर ही नहीं कर सकते, उस केस में आपको उसको कह सकते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी कैटेगरी में आता ही नहीं है. ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी में हमेशा मेजरमेंट करने के लिए आपको तो यू नो मेजरमेंट करने का मतलब क्या है, जैसे अगर मान लो कि कोई आपसे पूछता है कि यू नो आपकी हाइट कितनी है, तो आपकी हाइट बताने के लिए आप बोलते हो सपोजली आपने यू नो स्केल यूज किया सेंटीमीटर स्केल, और सेंटीमीटर स्केल में आपने देखा कि आपकी हाइट 172 सेंटीमीटर आ रही है. जैसे आपने बोला 172 सेंटीमीटर, तो 172 सेंटीमीटर का मतलब क्या निकल रहा है कि आप एक सेंटीमीटर के कंपैरिजन में बता रहे हो कि वो 172 टाइम्स है. ये तो मतलब निकलता है ना, है ये? हाँ सर, हाँ सर. अगर इसी को सोचो, अगर कोई ऐसा बोले तो 1.72 मीटर भी बोल सकता है ना. हाँ सर. तो अभी अभी वो इसमें क्या कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि बेसिकली 1 मीटर के कंपैरिजन में 1.72 टाइम्स है. आई यू गेटिंग, है ना, समझ आ रही है आपको? हाँ सर. तो बेसिकली जब हम यू नो मेजरमेंट करते हैं, तो मेजरमेंट में हम बेसिकली हम किसी भी चीज की वैल्यू को कितना बड़ा है या छोटा है वो एस्टिमेशन लगाते हैं, एस्टिमेशन बेसिकली. और वो एस्टिमेशन करने के लिए आपको पहले से एक रेफरेंस स्टैंडर्ड होना चाहिए आपके पास. रेफरेंस स्टैंडर्ड मतलब कि किसके रेस्पेक्ट में आप मेजर कर रहे हो, जैसे सेंटीमीटर के रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे हो या मीटर के रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे हो, वो रेफरेंस स्टैंडर्ड है. उस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में कितना बड़ा छोटा, यही मेजरमेंट करना होता है. तो हमेशा एक मेजर्ड वैल्यू के साथ आप देखोगे दो चीजें एसोसिएट होती है, एक है न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होती है यूनिट. यूनिट बेसिकली वही रेफरेंस स्टैंडर्ड है जिसके रेस्पेक्ट में आप बता रहे हो कि कितना बड़ा या छोटा है. आपको समझ आ रही है? तो यूनिट कौन सा है, वो मीटर सेंटीमीटर जो आप लिखते हो वही क्या है, उसका यूनिट है. समझ आइए आपको? Yes, sir. आप नॉन कन्वेंशनल, मतलब ये तो है कुछ स्टैंडर्ड मैंने यू नो कन्वेंशनल यूनिट्स है. कन्वेंशनल यूनिट्स मतलब जो सभी फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड है. कहीं पे भी जाओगे तो सभी समझेगा, सेंटीमीटर बोलोगे तो सभी समझेंगे, मीटर बोलेंगे तो सभी समझेंगे. बट अनकन्वेंशनल यूनिट्स भी हो सकता है. अनकन्वेंशनल यूनिट्स मतलब जैसे मुझे याद है कि यू नो जब मैं अपने प्रिपरेशन के लिए गया था, यू नो जैसे क्लास 9-10 तक तो यू नो मैं दुर्गापुर के पास ही पला बड़ा हूँ. बट जब 11 पे गया, क्लास 11 पे गया, तो फिर मेरे मम्मी पापा ने मुझे भेज दिया बाहर पढ़ने के लिए, रांची में भेज दिया. वहाँ पे उस समय, उस टाइम मेरे टाइम पे अच्छी प्रिपरेशन होती थी, उस समय कोचिंग इंस्टीट्यूट इधर इतने अच्छे आए नहीं थे बंगाल में. तो मैं रांची चला गया था पढ़ने के लिए. तो अब रांची में वहाँ पे एक पीजी में रहता था, तो वहाँ पे पीजी में हमारे यू नो मतलब पीजी में बहुत सारे लोग रहते थे, तो सीनियर्स भी लोग भी थे जो ऑलरेडी वहाँ पे क्लास 12 में थे, या कुछ लोग 12 पास आउट थे, तो वो लोग रहते थे. तो वो लोग क्या करते थे, मतलब बेसिकली फ्रेशर्स जो आते थे उनको बेसिकली बुला के यू नो थोड़ा सा यू नो इंट्रोडक्शन की तरह, मारते वाते नहीं थे बट इंट्रोडक्शन की तरह थोड़ा हंसी मजाक होता था, तो वो उनको रैगिंग कहते थे. तो वहाँ पे एक दिन मुझे बुलाया, मैं जब गया तो उसके यू नो जिस दिन गया तो उसके एक दो दिन के बाद ही मुझे बुलाया ऊपर में. और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे एक टास्क दिया, उन्होंने मेरे सामने में मतलब टेबल के पास में उन्होंने मेरे पास यू नो कॉइन रख दिए कुछ, और फिर स्केल रखा हुआ था, पेन रखा हुआ था, बुक रखा हुआ था. और उसके बाद फिर मुझे बोला कि यू नो कुछ भी सामान यहाँ से उठा. नहीं, उन्होंने पहले ये बोला कि हाँ, उन्होंने ये बोला कि जैसे एक कॉइन उठा और बोला कि ये कॉइन के टर्म्स में बता कि इस दीवार का विड्थ कितना है. जैसे वॉल दे दिया और वॉल का विड्थ सोचो मुझे नापने के लिए बोला कॉइन के टर्म्स में, बोला ये कॉइन के टर्म्स में कितना है ये बताओ. अब तुम सोच के देखो, कॉइन को कितनी बार फ्लिप करूंगा तब मेरा कॉइन का विड्थ आएगा, तुम सोच के देखो. तो इस केस में ये ऐसा टास्क दिया उन्होंने कि बेसिकली अगर मान लो कि वो कॉइन के मल्टीपल्स में, सोचो आप सपोजली वो कॉइन के मल्टीपल्स में मान लो कि 320 कॉइन्स आ रहा था, तो हमको बोलना पड़ता कि 320 कॉइन्स इज द विड्थ ऑफ द वॉल. तो ये जो कॉइन है, ये कॉइन ही उसका क्या हो गया, यूनिट हो गया, उसके टर्म्स में आप बता रहे हो. तो 320 टाइम्स ऑफ द विड्थ ऑफ द कॉइन, दैट इज द मीनिंग. तो अब इसको करने के लिए आप ऐसे एक स्मार्ट वर्क भी कर सकते थे, यू नो कि मैंने जो किया वहां पे क्या किया, मैंने पहले तो सोचा कि यू नो कॉइन से ही चला जाता हूं. तो उसके बाद फिर कॉइन से जैसे ही मैं लेके the measurement of a scale and then measure with the scale. Yes, very good. And that is what you know. Initially, I was doing it wrong. मैं वहाँ पे nervous हो गया वहाँ पे. मैंने क्या किया वहाँ पे दीवार पे जाके मैं you know कॉइन को flip करना शुरू कर दिया डर से. तो उन्होंने फिर मुझे help किया. उन्होंने बोला क्यों कि you know कि you could do something else. Think of it. Why have you given you so many things over here? तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा कि क्या कर सकते हैं. तो फिर मैंने सोचा कि यार ये तो अच्छी चीज है. मैंने देखा कि वहाँ पे सबसे लंबा चीज जो था वो स्केल ही था. तो मैंने क्या किया, पहले स्केल के टर्म्स में पहले कॉइन को मेजर कर लिया कि वो कॉइन का विड्थ के टर्म्स में स्केल का विड्थ कितना है. तो वहां से पता चल गया कि दैट वाज ऑलमोस्ट 10 और 12 पॉइंट्स, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, तो 10 या 12 पॉइंट्स वो विड्थ में आ रहा था. तो इसका मतलब आई वाज एबल टू मेजर स्केल का विड्थ इन टर्म्स ऑफ कॉइन.
एंड देन फिर स्केल को यूज करके मैंने विड्थ ऑफ यू नो वॉल मेजर कर लिया, तो मेरा काम आसान हो गया, नहीं हो गया? हो गया ना? तो इस केस में देखो, आपने जो यूनिट चूज किया मेजरमेंट के लिए, ये कोई प्रैक्टिकल मतलब ये कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, ये अनकन्वेंशनल यूनिट है. बट एज फार एज मेजरमेंट इज कंसर्न्ड, वो मेजरमेंट तो मैंने कर लिया ना कि कितना लंबा है. तो बेसिकली मेजरमेंट का मतलब यही होता है कि आप किसी चीज का एस्टिमेशन करो कि कितना बड़ा या छोटा है, और जिसके टर्म्स में आप मेजरमेंट करते हो या जिसके रेस्पेक्ट में मेजर करते हो, उसी को हम उसका यूनिट कहते हैं. ठीक है? सो मेजरमेंट इज अ प्रोसेस. ये मेजरमेंट जिसको हम कह रहे हैं, सो मेजरमेंट इट्स अ प्रोसेस. It's a process by which we get to know how large or small a particular physical quantity is with respect to a standard value और स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है? यही स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है? आपका यूनिट है. दिस स्टैंडर्ड वैल्यू इज द यूनिट. दिस स्टैंडर्ड वैल्यू इज द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है? एनी क्वांटिटी विच इज मेजरेबल, एनी क्वांटिटी विच इज मेजरेबल विच इज मेजरेबल इज फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, आपको समझ आई सभी को? यहाँ तक तो बात समझ आई, इसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, है ना? तो अभी आपको कोई भी मेजर्ड वैल्यू लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप? सो एनी मेजर्ड वैल्यू जब आप लिखोगे तो उसके साथ आप दो चीजें लिखते हो, एक होती है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी उसकी यूनिट होती है एन यू लिखते हैं. एन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू भैया, न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड यू ओवर हियर इज यूनिट. एक का वैल्यू, जब आप एक चीज लिखते हो और दूसरा नहीं लिखते हो तो उसका कोई मतलब ही नहीं है. जैसे लेंथ आपने बोला 10 है, 10 के साथ आपने सेंटीमीटर नहीं लगाया, मीटर नहीं लगाया, तो कोई मतलब निकलता है क्या? आप बताओ मुझे. किसी का लेंथ बोल दे 10 है, क्या मतलब निकलता है? नहीं सर. तो हमेशा इसको यूनिट के साथ आपको बोलना है. जैसे फोर्स आप बोलते हैं, कई बार कैजुअली आप कैलकुलेशन करते हैं और फोर्स को निकाल के 10 लिख के छोड़ देंगे. अब फोर्स को निकाल के अगर आपने 10 छोड़ दिया है तो क्या टीचर कैसे समझेगा कि आपका यूनिट क्या आ रहा है? न्यूटन आ रहा है या यू नो डाइन आ रहा है, क्या आ रहा है, कैसे पता चलेगा? तो हमेशा जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का आप यू नो वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो हमेशा उसके यूनिट के साथ लिखा करो, अगर यूनिट है तो. ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकते हैं जिसका यूनिट ही ना आए, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट ही नहीं होता क्योंकि वो स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो होता है. बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इनका रेशियो लेते हो तो उस केस में उसका कोई यूनिट नहीं आएगा. बट अगर यूनिट है उसका तो हमेशा यूनिट के साथ लिखा करो. यूनिट नहीं लिखा आपने तो हमेशा गड़बड़ कर रहे हैं आप. आई होप इट्स क्लियर, राइट? अब इस केस में एक और चीज आप याद रखो कि जब आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन करते हो, जैसे हमने यू नो लेंथ को अगर बोला एक मीटर है तो एक मीटर को आप 100 सेंटीमीटर भी तो बोल सकते हैं, सेम चीज ही है. बस डिफरेंस क्या आ रहा है कि आप एक बड़े यूनिट से छोटे यूनिट पे मूव कर रहे हो. अगर आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट पे मूव करोगे तो उस केस में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगा? ज्यादा आएगा, क्योंकि छोटा यूनिट है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा? बड़ा होगा. क्यों? क्योंकि एनयू का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, क्योंकि सेम चीज को तो आपने मेजर किया है. तो उस केस में आप हमेशा ध्यान रखेंगे इन कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स एनयू का प्रोडक्ट आपका कांस्टेंट होना चाहिए. इन कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स N1U1 शुड बी इक्वल टू N2U2, मतलब ये होना चाहिए. मतलब न्यूमेरिकल जो मेजर्ड वैल्यू है वो चेंज नहीं करनी चाहिए. ये क्यों लिख रहे हैं हम? सिंस मेजर्ड वैल्यू रिमेन्स सेम in different units. Okay. अब हम आते हैं physical quantity के types पे. Types of physical quantities. Physical quantity के types क्या हैं? दो broad category हैं. एक होते हैं fundamental quantities, या इनको base quantities भी कहते हैं. Fundamental और
बेस क्वांटिटीज. इनका मतलब क्या है, ये ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको आप एक दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. यू कैन नॉट एक्सप्रेस वन ऑफ देम इन टर्म्स ऑफ द अदर. जैसे लेंथ को ले लो और टाइम को ले लो, क्या कोई लेंथ को टाइम में कन्वर्ट कर सकता है? नहीं सर. नहीं. तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब सब इंडिपेंडेंट एकदम, तो उनको हम कहते हैं कि ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं. और ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे नेचर में सात दिख रहे हैं. देयर आर सेवन सच फंडामेंटल क्वांटिटीज. सो दोज क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड in terms of other fundamentals. Under other fundamental quantities are fundamental quantities. ठीक है, और ऐसे आपके सेवन है. There are seven such quantities. Seven such quantities. I hope आपको कम से कम नाम पता होगा. Yes sir. आपको पता है? Mass. Yes sir. Current. Length. पहले mass, length, time तो बोल दो. Okay. ये तो frequent है ना? Mass, length, time. फिर current. Luminous intensity. Current. Current. Amount of substance. Luminous intensity. Amount of substance. Common चीजें सब भूल जा रहे हैं और typical चीजें याद रखा है. टेम्परेचर एंड फिर आता है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी. पहला छह तो आपको कम से कम पता है ना अच्छे से क्या होता है. ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है आपको पता नहीं है और आपको जानने की भी जरूरत नहीं है. हमारे क्लास 11 और 12 पूरा खत्म हो जाएगा, इसकी कभी डिस्कशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है. हमें बस और बस इतना ही जानना है कि आउट ऑफ द सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ठीक है, बस इतना ही जान के रखेंगे. और इसका एसआई यूनिट क्या होता है बस ये जान लेना. इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो कैंडेला होती है. कैंडेला. यस. सो एसआई यूनिट में सबका लिख देना एक बार. मास के लिए आपका केजी है, लेंथ के लिए मीटर है, टाइम के लिए सेकेंड्स है, करंट के लिए एम्पियर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल है, फिर टेम्परेचर के लिए केल्विन है एंड इंटेंसिटी के लिए कैंडेला है. सीडी लिखते हैं, कैंडेला बोलते हैं. ठीक है, आपको ल्यूमिनस इंटेंसिटी का बिल्कुल सोचने का जरूरत नहीं कि यू नो क्या होता है क्या नहीं होता है. बस इसको एकदम इतना ही बस याद रखो कि वन ऑफ द सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं. अब वो सारे फिजिकल क्वांटिटीज जिनको आप इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हो, वो सारे क्वांटिटीज आपके डिराइव्ड क्वांटिटीज कह लेते हैं. मतलब जो भी फंडामेंटल नहीं है वो सारा श्योर है. क्या है आपका डिराइव्ड है या नहीं है? है या नहीं है? हाँ सर. अभी फंडामेंटल नहीं है, वो सारा डिराइव्ड हो जाएगा. सो ये आपका सेकंड कैटेगरी है. सो दिस इज डिराइव्ड क्वांटिटीज. डिराइव्ड क्वांटिटीज दीज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज. Fundamental quantities. Thus, any physical quantity which isn't fundamental, is a derived quantity. ठीक है, जैसे इसका एक एक्सेप्शन है याद रखिएगा, एंगल्स हैं. एक्सेप्शन इज एंगल्स. एंगल्स को हम अलग कैटेगरी में डालते हैं, उसको हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं. ये आपको बताता हूं, थोड़ी देर में बताता हूं. बस इसका एक चीज का ध्यान रखना, एंगल्स को हम अलग क्वांटिटी कैटेगरी में डालते हैं. अभी देखो, एंगल्स आर नोन एज सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज.
supplementary quantities. अब ये क्यों लिया है आपको अलग कैटेगरी में, उसका आप थोड़ा सा मतलब बता दो। एंगल्स आपके दो तरह से आपके होते हैं, एंगल्स आर ऑफ टू काइंड्स। एक को हम कहते हैं प्लेनर एंगल और एक कहते हैं सॉलिड एंगल। प्लेनर एंगल के बारे में आप डिटेल्स में जानते हैं। प्लेनर एंगल और एक होता है आपका सॉलिड एंगल। देखो पहले प्लेनर एंगल आपको बताऊं। प्लेनर एंगल क्या होता है, जैसे आप एक सर्कल लेते हो और इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे आप एक छोटा सा आर्क लेंथ कंसीडर करते हो। कोई भी एक आर्क लेंथ, छोटा सा जरूरत नहीं है, बड़ा सा भी ले सकते हैं। जैसे एक आर्क लेंथ कंसीडर किया आपने, इस सर्कल की रेडियस को अगर हमने आर मार्क कर रखा और एंगल को थीटा मार्क कर रखा है, तो ये जो आर्क लेंथ होती है, ये जो आर्क लेंथ है, इस आर्क लेंथ को अगर मैं एस कह रहा हूँ तो एस की वैल्यू भी कैसे लिखते हैं हम, आर इंटू थीटा लिखते हैं ना, लिखते नहीं लिखते। हाँ सर। तो अगर आप यहाँ पे एंगल की वैल्यू निकालोगे थीटा, तो क्या आएगा, S by R आएगा ना, आएगा? Yes sir. अब एक चीज लॉजिकली सोच के देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है सेम फिजिकल क्वांटिटी का है या नहीं है, सिमिलर टाइप, सेम नहीं, सिमिलर टाइप का है या नहीं? हाँ सर, लेंथ 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 बाय लेंथ है, राइट? तो ऊपर में अगर मीटर आएगा और नीचे में भी मीटर आएगा, ऊपर सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर, वो लोग आपस में कटेंगे या नहीं कटेंगे, यूनिट कट जाएगा नहीं कट जाएगा? हाँ सर। और अगर दोनों का यूनिट कट गया तो क्या एंगल के साथ कोई यूनिट होना चाहिए था? नहीं सर। नहीं, बट आपको पता ही नहीं कि एंगल के साथ यूनिट होता है, पता है ना आपको? यस सर, मिनट्स डिग्री सेकंड्स। हाँ, मतलब या तो रेडियंस में लेते हैं या फिर डिग्रीज में लेते हैं। यहाँ पे जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं एस बाय आर करके, दिस इज इन रेडियंस। यहाँ पे जो एंगल मिलेगा दिस विल बी इन रेडियंस होती है। तो इसका मतलब है ये जो डिराइव्ड क्वांटिटीज का डेफिनेशन है, क्या उसको एग्जैक्टली पूरा फॉलो कर रहा है? सोच के देखो। नहीं सर। क्योंकि लेंथ बाय लेंथ शुड हैव बीन यूनिटलेस, बट इंस्टेड इट हैज अ यूनिट, और इस वजह से हमने क्या किया, इसको सेपरेट कैटेगरी में हमें इसको रखना ही पड़ा, नहीं तो फिर इस केस में आपका यूनिट नहीं होना चाहिए था। ठीक है, आप एक, आपके पास कन्वर्जन का फॉर्मूला भी है। आप पाई रेडियंस को आप कितना लेते हैं, 180 डिग्री लेते हैं ना, लेते नहीं लेते? तो आप कन्वर्जन भी कर सकते हैं, आप इसको चाहे तो कन्वर्जन भी कर सकते हैं। आप पहले इसका रेडियंस में निकाल लिया आपने वैल्यू, और उसके बाद डिग्रीज में चाहिए तो अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, सो दिस इज प्लेनर एंगल। ये प्लेनर एंगल को आप मेजर भी कर सकते हैं। मेजर करने के लिए आपके पास एक डिवाइस होता है, क्या बोलते हैं उसको, एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होता है, प्रोट्रैक्टर। तो प्रोट्रैक्टर को यूज करके आप क्या कर सकते हैं, एंगल को मेजर कर सकते हैं। बट ये जो एंगल आप मेजर कर रहे हैं ये प्लेनर एंगल है। अभी आते हैं सॉलिड एंगल पे। प्लेनर एंगल बेसिकली टू डायमेंशनल प्लेन पे, मतलब सर्कल पे मेजर करते हैं। बट सॉलिड एंगल जो है वो एक थ्री डायमेंशनल एंगल है, वो एक यू नो एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट पे हम मेजर करते हैं, टू डायमेंशनल पे नहीं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे मेजर करते हैं। देखो, ये देखो नाउ, ये तो आपका सर्कल था, दिस इज अ टू डायमेंशनल फिगर। ठीक है, ये टू डी फिगर है, बट यहाँ पे अब हम स्फीयर ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज स्फीयर, एंड ये ऑब्वियसली आपका 3D फिगर होगा। ठीक है, अब इसमें क्या करो, आप इसके सेंटर से आप एक कोन बनाओ जो सर्कमफेरेंस पे कहीं जाके कंडक्ट यू नो इंटरसेक्ट कर रही है। कोन बनाना है आपको, यू आर सपोज टू ड्रॉ अ कोन। देखो तो हैव आई ड्रॉन इट करेक्टली, कोन बनाना था मुझे। Yes, sir. ये जो पार्ट आपको दिख रही है स्फीयर की, इसको अगर हम काट के निकाल दे क्या एक ढक्कन की तरह दिखेगा क्या ये? Will it be visible like a cap? Yes, sir. Yes, sir. होगा ना, इसीलिए इसको कहते हैं दिस इज कैप ऑफ अ स्फीयर, दिस इज नोन एज कैप ऑफ अ स्फीयर। ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, दिस पार्ट इज नोन एज कैप ऑफ अ स्फीयर, कैप ऑफ स्फीयर कहते हैं इसको। इस कैप ऑफ स्फीयर की मान लेते हैं एरिया जो है वो हमने ए दिखा रखी है, सो ए इज द एरिया ऑफ कैप ऑफ स्फीयर। ठीक है, कैप ले जो लिखा है, ए इज द एरिया ऑफ कैप। ठीक है, अब यहाँ की रेडियस जो है वो आर है, मान ले हमने मान उस कर्व सरफेस का एरिया है ना,
यस ए इज द एरिया ऑफ द कैप मतलब कर्व सरफेस का एरिया है ठीक है. अब आप क्या कर रहे हो यहां से इसके जो सेंटर है सेंटर से आप कोन के बेस पे आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो ठीक है. और उसके बाद फिर यहाँ पे सेमी वर्टिकल एंगल इस कोन का आपको थीटा दिख रहा है ये प्लेनर एंगल है. तो इस केस में जब आप इसका सॉलिड एंगल डिफाइन करते हो तो उसको हम ओमेगा से इंडिकेट करते हैं और वो सॉलिड एंगल को हम ऐसे दिखाते हैं यहाँ पे जस्ट ऐसा एक गोल करके बनाते हैं ऐसे सिंस ये थ्री डायमेंशनल है तो इसको ऐसे गोल करके एक रिंग की तरह बनाते हैं यहाँ पे ऐसे और इसको यहाँ पे हम ऐसे ओमेगा लिखते हैं ठीक है. ये ओमेगा सिंबल आ गया. तो अगर आपको ओमेगा निकालनी है तो ये ओमेगा की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करते हैं तो एरिया ऑफ कैप ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आती है. जैसे आपका प्लेनर एंगल को निकालने का तरीका क्या था आर्क लेंथ बाय रेडियस. सॉलिड एंगल को निकालने का तरीका क्या है एरिया ऑफ कैप ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर करना है. आपको समझ आई क्या करना है? यस सर. अभी आप इसमें भी देखो न्यूमरेटर में जो क्वांटिटी है वो भी एरिया का ही है और डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है वो भी एरिया का ही है. आर स्क्वायर मतलब तो एरिया ही हो गया ना. हुए नहीं हुआ? ऊपर का यूनिट अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो नीचे भी सेंटीमीटर स्क्वायर. तो क्या इसका यूनिट होना चाहिए था? नहीं सर. बट इसका यूनिट होता है. इसका यूनिट होता है. इसकी यूनिट होती है स्टेरिडियन. इन स्टेरिडियन कहते हैं स्टेरिडियन. इसको SR सिर्फ बोलते हैं SR ठीक है. तो ये मतलब इसकी भी यूनिट है इसी वजह से इसको अलग कैटेगरी में हमें रखना पड़ता है. इसको इस सॉलिड एंगल का इस प्लेनर एंगल के साथ इस डायग्राम में प्लेनर एंगल के साथ एक रिलेशन है. प्लेनर एंगल के साथ एक रिलेशन है. दिस कम्स आउट टू बी 2π × 1 माइनस ऑफ cos थीटा आती है. ये आपको याद रखना होता है कि सॉलिड एंगल की वैल्यू अगर आप यू नो कैलकुलेट कर रहे हैं प्लेनर एंगल थीटा के टर्म्स में तो दिस कम्स आउट टू बी 2π × 1 माइनस cos थीटा है. तो सॉलिड एंगल हमारे सिलेबस में है. सॉलिड एंगल का सिलेबस में मतलब ये आपको अभी तो जरूरत नहीं पड़ेगी. ये आपको जरूरत पड़ेगी क्लास 12 के चैप्टर में जरूरत पड़ेगी. जब हम गॉसेस लॉ पढ़ेंगे तब जरूरत पड़ेगी. ओके ठीक है. गॉसेस लॉ में थोड़ी सी जरूरत है इसकी. ठीक है. इंजीनियरिंग एस्पिरेंट को तो ज्यादा जरूरत है. मेडिकल वालों को तो बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी. उसमें भी जरूरत नहीं पड़ेगी. तो मेडिकल वाले एस्पिरेंट जो है वो इसको स्किप भी कर सकते हैं. बट यू नो डेफिनेशन जानना चाहिए कम से कम क्योंकि आपको तो कम से कम वो तो बता पाओगे. तो इसको स्किप नहीं कर सकता. इसके इस पे बेस करके आपका क्लास 12 में बहुत सारा एप्लीकेशन है उसपे. ठीक है. 11 में कुछ नहीं पड़ा. अच्छा एक चीज और देखो यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू को सपोज ये थीटा की वैल्यू को मैं 90 डिग्री ले लूँ तो कैप में कितना कवर कर रहे हैं हम. थीटा का वैल्यू अगर मैंने 90 लिया तो कैप में कितना कवर किया. हाफ ऑफ स्फीयर. अरे गधे कहीं के. जीरो कैसे आया. हाफ ऑफ स्फीयर आ जाएगा. हाँ सर. दिख रहा है सबको. डायग्राम देखो ना. थीटा को 90 कर दो तो जो येलो कलर के जो सॉलिड लाइंस हैं वो तो एकदम बिल्कुल वर्टिकल हो जाएंगे. होंगे नहीं होंगे. होंगे. यस सर. और उस केस में जो एरिया बनेगा कैप का वो तो एकदम बिल्कुल क्या हो जाएगा. हाफ ऑफ स्फीयर बन जाएगा. और हाफ ऑफ स्फीयर का अगर आप एरिया कैलकुलेट करोगे कितना आएगा. 2πr² आएगा ना. आएगा नहीं आएगा. अगर मैं इस एक्सप्रेशन में थीटा की वैल्यू को 90 डाल दूं तो कॉस 90 कितना हो गया. जीरो. तो स्टेरेडियन कितना आया एंगल में. 2π स्टेरेडियन आया. मतलब सॉलिड एंगल इज 2π स्टेरेडियन फॉर अ हाफ हेमिस्फीयर है ना. मतलब हाफ ऑफ स्फीयर. और उस केस में एंगल कितनी आ रही. 2πr² आ रही है. दिख रही है आपको. अगर यही अगर आपने टोटल स्फीयर कंसीडर करना होता तो एंगल को कितना लेता आपको. पाई है ना. 180 और 180 लेते तो कॉस ऑफ 180 कितने होते. माइनस 1. तो 1 माइनस माइनस 1 कितना हो गया. 2 इंटू 2π कितना हो गया. 4π से रेडियन. तो अंदर से जब आप देखोगे तो कोई भी सॉलिड फिगर जो है ना थ्री डायमेंशनल फिगर वो अंदर के किसी भी पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड करता है ना वो बेसिकली आपका 4π स्टेरेडियन होता है. समझ आइए आपको. 4π स्टेरेडियन. 2π स्टेरेडियन नहीं. 2π रेडियंस होता है वो टू डायमेंशनल फिगर के लिए. जैसे बोले पूरा सर्कल में कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं तो वो कितना आएगा आपका 2π रेडियन आएगा. बट अगर स्फीयर में बोले कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं टोटल तो उस केस में आपका 4π स्टेरेडियन आएगा. समझ आइए आप सभी को. हां सर. हां सर. ठीक है. जैसे एक मिनट मुझे पानी पीने दो.
ओके नेक्स्ट देखो लीस्ट काउंट इसको एलसी कहते हैं लीस्ट काउंट किसी भी मेजरिंग डिवाइस में सबसे छोटा जो मेजरमेंट आप कर सकते हो मेजरिंग डिवाइस को यूज करके उसको हम उसका लीस्ट काउंट कहते हैं जैसे आप ये बताओ कि अगर आपका मिलीमीटर स्केल जो जो आपके यू नो पेंसिल बॉक्स में आप रख के रखते हो उसमें सबसे छोटा मेजरमेंट आप कितना कर सकते हो 1 mm इसीलिए तो उसको क्या बोलते हैं मिलीमीटर स्केल बोलते हैं ना बोलते नहीं बोलते यस यस सर 1 mm इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट यू कैन मेक यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ मिलीमीटर स्केल ओके अब बताओ आपके रिस्ट वॉच का सबसे छोटा मेजरमेंट का यूनिट कितना है टाइम का 1 second तो वही उसके लिए क्या हो जाएगा यही उसके लिए क्या हो जाएगा लीस्ट काउंट हो जाएगा तो लीस्ट काउंट का मतलब होता है जो सबसे छोटी मेजरमेंट हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करके कर सकते हैं ना दैट इज नोन एज द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट अब आप लीस्ट काउंट से ज्यादा या कम कभी भी आप मेजरमेंट नहीं कर सकते आप कभी नहीं कर सकते जैसे अगर सोच के देखो किसी ने क्या किया है इमेजिन करो कि कोई एक लेंथ को हम मेजर कर रहे हैं ठीक है ये जैसे सोच के देखो लेट अस से दिस इज अ स्केल ये स्केल मान लेते हैं हमारा ठीक है ये हमारी स्केल है और इस स्केल में मान लो आपके डिविजन्स मार्क्ड हैं सपोजली कोई एक चीज का लेंथ आप मेजर कर रहे हो ये मान लो कि कोई एक चीज है जिसकी लेंथ को आपको मेजर करने का है दिस इज द ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड ये मान लेते हैं ये 15 सेंटीमीटर वाला मार्क है ये 14 सेंटीमीटर वाली है अच्छा नहीं इधर 14 नहीं होगी इसको इधर कर देते हैं ये 14 सेंटीमीटर वाली है और ये 15 वाली है अब बताओ कि ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी बताओगे 14.7 प्लस समथिंग नहीं आपको लेंथ जब बोलोगे तो क्या बोलोगे अरे प्लस 14.7 प्लस समथिंग में क्या बोलोगे प्लस समथिंग आप कभी बोल नहीं सकते क्योंकि आपका प्लस समथिंग वो आई एस्टिमेशन पे बेस्ड है या नहीं है यस है या नहीं है आई एस्टिमेशन का मतलब क्या है कि जैसे किसी को लगे कि सर ये आधा से थोड़ा सा कम है मतलब कि ये ऑलमोस्ट 0.3 होना चाहिए फिर किसी और को लगे नहीं ये तो शायद 0.3 से थोड़ा सा ज्यादा है पॉइंट यू नो 3 से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए मतलब ये 0.4 होना चाहिए मतलब यू नो दो डिवीजन के बीच का 40% है शायद तो ये तो बेसिकली तुमको अलग लग सकता है और मुझे तो अलग लग सकता है ना समझ आ रही है समझ आ रही क्या कह रहे हैं तो अभी आप एक चीज सोच के देखो ये जो यू नो ये जो ऑरेंज कलर की मैंने जो बाउंड्री ड्रॉ की है ये ऑरेंज कलर की बाउंड्री अगर दो सक्सेसिव डिवीजन के बीच वाले पॉइंट से लेफ्ट की तरफ है तो ऑब्वियसली लेफ्ट वाला वैल्यू जो लेफ्ट का जो मार्क है मतलब 14.7 उसके क्लोजर होगा है ना बट इमेजिन करो कि अगर 7th और 8th डिवीजन जो मुझे दिख रहा है उसके बीच से आधा ज्यादा पे होता तो ऑब्वियसली 14.8 के क्लोजर होता होता ही नहीं होता हाँ सर बट आप वो तो लिख नहीं सकते ना वो आप लिख नहीं सकते क्योंकि आपका आई एस्टिमेशन अलाउड नहीं है तो आप इसका जब भी मेजरमेंट बोलोगे तो आप क्या बताओगे मुझे बोलो 14.7 ही तो बोलोगे ना 14.7 यस सर और अगर आपने किसी ने बोल दिया 14.7 तो इसका मतलब इसमें एरर है कि नहीं इसके मेजरमेंट में आप ये बताओगे यस सर yes, है यस yes, और ये मेजरमेंट yes, कितने तक का आ सकता है कितने तक का आ सकता है मैं बोल रहा हूँ ये तो 1 mm तक आ सकता है ना 0.5 मिलीमीटर नहीं नहीं बेटा ये दो सक्सेसिव डिवीजन के बीच में तो 1 mm अच्छा नहीं ये तो गलत मार्क कर दिया ना मैंने ओहो क्या लिखा है मैंने 14-15 नहीं ठीक है तो है दो सक्सेसिव जो स्केल 14 और 15 के बीच में कितने डिवीजन है 10 डिवीजन है ना 1 mm का 1 mm का ही तो है तो इसका मतलब है कि दो सक्सेसिव डिवीजन के बीच का स्पेसिंग 1 mm का है तो जो एरर जो आ सकता है वो 1 mm का आ सकता है नहीं आ सकता है आ सकता है ना हां तो इसीलिए ये जो लीस्ट काउंट हम कहते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब भी कोई मेजरमेंट होती है किसी स्केल को लेके स्केल या कोई भी मेजरिंग डिवाइस है
तो उस मेजरिंग डिवाइस का जो लीस्ट काउंट है उतना का एरर आप कम से कम एक्सपेक्ट करके चली सकते हैं, क्योंकि इतना का एरर मैक्सिमम इनकॉर्पोरेट हो रही होगी इसमें। आप कोई भी मेजरमेंट करोगे तो कोई भी मेजरमेंट ट्रू वैल्यू नहीं देती, ट्रू वैल्यू नहीं देती है, आपको क्लोज टू वैल्यू दे सकती है बट कभी भी ट्रू वैल्यू नहीं देगा। तो जो भी मेजरमेंट आपने की है उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ एरर रहती रहेगी। तो एरर कितने का आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, कितने का मैक्सिमम का लीस्ट काउंट का इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है? उसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा इसको। सो इट रिप्रेजेंट्स रिप्रेजेंट्स द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट can be made using an instrument. ठीक है, this is also the maximum error that we can consider to have been incorporated in the measured value due to the instrument. मतलब instrument की वजह से जितना error आ सकता है वो basically आप least count का ही imagine कर सकते हैं, ठीक है? अब इसमें सोच के देखो, सपोजली आपने किसी चीज को अपने मेजर किया है और किसी ने मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ को मेजर किया, जैसे मान लो कि इसी स्केल से मान लो हमने मेजर किया है, तो मैंने लेंथ को मेजर किया, ये लेंथ आई आपकी सपोजली 14.7 सेंटीमीटर, हमने इसको रिपोर्ट किया, तो 14.7 एक्चुअली नहीं है। अगर आपने 14.7 लिखा है तो इसके साथ आपको क्या लिखना चाहिए, प्लस माइनस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर लिखना चाहिए नहीं? तो इस केस में ये जो है ये बेसिकली क्या आपका लीस्ट काउंट एरर कह रहे हैं इसको, दिस इज लीस्ट काउंट एरर, ठीक है? इसी का आपको हमेशा कंसीडरेशन में लेके चलना है। मैंने माइनस क्यों किया, प्लस क्यों नहीं रहने दिया सर? क्योंकि देखो आपको जो बताया मैंने कि ये ऑरेंज कलर का जो बाउंड्री हमने ड्रॉ किया था, ये बाउंड्री अगर दो सबडिविजन का हाफ से ज्यादा पार होता, मतलब हाफ को क्रॉस करके उस तरफ आ जाता, तो फिर तो हम उसको 14.7 नहीं लिखते, क्या लिखते, 14.8 लिखते या नहीं लिखते? वो दोनों फैक्टर को कंसिडर करने के लिए कि इधर शूट किया था, मतलब ओवरशूट किया था या थोड़ा सा यू नो लेस रह गया था, तो वो चीज को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम हमेशा प्लस माइनस के साथ कंसिडर करते हैं। समझ आई आपको? ठीक है, हाँ सर। इमेजिन करो कि ये किसी एक स्केल से था, ठीक है? दिस इज फ्रॉम मिलीमीटर स्केल, ठीक है? दिस मेजरमेंट वाज फ्रॉम मिलीमीटर स्केल, मेजर्ड फ्रॉम मिलीमीटर स्केल, एमएम स्केल मिलीमीटर स्केल है, ठीक है? बट इमेजिन करो कि किसी कोई दूसरा स्केल से हमने मेजर किया एंड इस स्केल से जो मेजरमेंट आ रही है सपोजली 14.72 एंड प्लस माइनस ऑफ 0.02 सेंटीमीटर लिख रहे हैं, 0.01 सेंटीमीटर लिख रहे हैं। अभी देखो आप 14.72 जब हमने लिखा है तो डेसिमल प्लेस में दो प्लेस आ गया ना? यस सर, यस सर। इसका मतलब यहाँ पे आई एस्टिमेशन की नहीं है बात कर रहे हैं, ये आई एस्टिमेशन से नहीं है, डेफिनेटली कोई एक ऐसा स्केल है जो 1/10 ऑफ एमएम तक मेजर कर सकता है। 1/10 ऑफ एमएम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 1/100 ऑफ सेंटीमीटर है, 0.01 सेंटीमीटर मतलब कितना हो गया, 1/100 ऑफ सेंटीमीटर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसे स्केल से मेजरमेंट कर रहे हैं जो एक मिलीमीटर को भी 10 पार्ट में डिवाइड करके उस पार्ट तक भी मेजरमेंट कर सकता है, तो इसीलिए इसका जो लीस्ट काउंट है ये बेसिकली कितना है आपका 0.01 सेंटीमीटर है। तो दिस इज द लीस्ट काउंट एरर ऑफ, ऊपर वाला जो था लीस्ट काउंट एरर ऑफ मिलीमीटर स्केल था, ठीक है? इस तरह का जो स्केल होता है जिससे आप 0.01 सेंटीमीटर तक भी मेजर कर सकते हैं वो बेसिकली आपका वर्नियर कैलिपर कहलाता है, दिस इज वर्नियर कैलिपर। तो दिस इज लीस्ट काउंट एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर है, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा। अभी इससे आप अब ये ऑब्वियसली वर्नियर कैलिपर से मेजर किया आपने, दिस इज मेजर्ड फ्रॉम वर्नियर कैलिपर,
वर्नियर कैलिपर कैसे वर्क करता है ये मैं आपको समझा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है. मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार ना यूट्यूब में यू नो जस्ट वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गॉज, दो इंस्ट्रूमेंट है ये आपके सिलेबस का पार्ट है, उनको एक बार पढ़ लो. ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ. क्लास 9 सिलेबस में था, हम लोग प्रोजेक्ट किए थे. सबका नहीं है, आपका होगा. आप कौन से बोर्ड में थे? आईसीएसई. हाँ, तो आपका है ना, बट बाकी लोगों का नहीं. सर मेरे पास वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज घर पे है. अच्छा, बहुत अच्छी बात है. फिर आप सबको, हम सबको समझा दीजिएगा एक दिन. ठीक है. सबके पास नहीं होता ना बेटा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिनके पास नहीं है, ऑब्वियसली मेजोरिटी लोगों के पास नहीं होगा क्योंकि मेरे पास भी, हमें पता है कि हमारे पास भी नहीं है. तो मेजोरिटी लोगों को कह रहा हूँ कि एक बार जस्ट आप वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गॉज एक बार इसको यूट्यूब में या फिर यू नो यूट्यूब में एक बार पढ़ लेना, मतलब देख लेना और कैसे वर्क करता है. और उसके बाद फिर मैं आपको एक पीडीएफ भेज दूंगा ग्रुप में, वो पीडीएफ को थ्योरी में पढ़ लेना. तो फिर आप कोरिलेट करके सारी चीजें देख पाओगे कि मेजरमेंट कैसे होता है. अभी आपको यू नो समझा नहीं सकता, बिना इंस्ट्रूमेंट का मैं आपको समझा नहीं सकता, बहुत मुश्किल आएगा. तो ये जस्ट मैं लिख दे रहा हूँ, रीड वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज. सर इज देयर एनीथिंग दैट मेजर्स मोर एक्यूरेटली देन अ स्क्रू गॉज? डेफिनेटली इंस्ट्रूमेंट्स होंगे ऐसे ही. आप सोचो कि यू नो एटम्स के अंदर का साइज हम कैसे मेजर करते हैं, आप बताओ मुझे. एटम का साइज आपको पता है ना, 10^-10 का ऑर्डर का होता है मीटर में. यस सर. पता है? यस सर. तो कैसे है ये? सो हम डेफिनेटली, हम काफी न्यूक्लियस का साइज हमें पता है. न्यूक्लियस का साइज 10^-15 मीटर का ऑर्डर का होता है. तो डेफिनेटली हमें पता है कि यू नो कि हम कैसे मेजरमेंट, मतलब प्रिसीजन बढ़ती चली जाती है, यू नो बहुत ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट भी कर सकते हैं. Read vernier calipers and screw gauge from YouTube. ठीक है, YouTube से आप इन दोनों चीजों को आप एक बार प्लीज देख लेना. ठीक है, मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं. और उसके बाद फिर अगर कोई डाउट हो, अगर फिर भी नहीं समझ पा रहे हो, तो फिर यू नो सिंस आप इंस्ट्रूमेंट देख चुके होगे तो फिर मेरे को थोड़ा बोलना आसान होगा, तो फिर मैं आपको बता दूंगा अगर नहीं समझ आया तो. बट मैं एक पीडीएफ आपको भेज दूंगा ग्रुप में, उसको पढ़ने के बाद शायद कोई डाउट नहीं रहेगा, अगर आपने लेक्चर देख लिया यूट्यूब में तब. ठीक है, ये काम आपके लिए है, आपको करना है खुद से. ठीक है, ठीक है. ओके सर. ओके, चलो ये तो हमने लीस्ट काउंट के बारे में बात कर लिया. अब हम बात करते हैं एक टर्म के बारे में, एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में. Accuracy versus precision. सर ये वर्नियर कैलिपर्स स्क्रूगॉज से क्वेश्चन आता है नीट में? हाँ हाँ, आता है बेटा, आता है क्योंकि आपके एक्सपेरिमेंट, मतलब ये जो क्लास 11-12 के सिलेबस में है ना आपके, मतलब ये एक्सपेरिमेंट करना आता है स्क्रूगॉज से लेके यू नो वायर का डायमीटर मेजर करने के लिए बोलते हैं, मतलब वर्नियर कैलिपर से यूज करके आपको यू नो वाटर लेवल नापने के लिए बोलेंगे, आपको ट्यूब का डायमीटर मेजर करने के लिए बोलेंगे, वॉल का थिकनेस मेजर करने के लिए बोलेंगे, बहुत सारी चीज होती है. तो वो आपके एक्सपेरिमेंट का पार्ट है, जो आपके प्लस टू के सिलेबस में है वो तो है ही है, वो आपको करना है. इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स को भी करना है, दोनों के लिए करना है. इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए तो हमेशा क्वेश्चन होता है इसका, यू नो, और मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए कम आता है बट आता है, मतलब ऑल्टरनेट ईयर में आपको एक दिख जाएगा. तो ऐसा आता है, क्वेश्चन आते हैं इसके. इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के तो हमेशा आते हैं, हर साल आते हैं. ओके, अभी देखें एक्यूरेसी वर्सेस प्रिसीजन. जैसे आपको नाम से कैसे समझ आ रहा है, क्या दोनों सेम चीजें सिनोनिम्स हैं या अलग अलग चीजें हैं? अलग है. कैसे, आप बताओ मुझे कैसे अलग है? सर एक्यूरेसी से हम समझते हैं कि एक पर्टिकुलर वैल्यू के आसपास कितना क्लोज टू दैट वैल्यू है, और प्रिसीजन अगर हम बोले तो कितना प्रिसाइज वो मेजरमेंट है, मतलब कितना इलैबोरेट मेजरमेंट है, मतलब डेसिमल के बाद या फिर. सही कह रहे हैं बिल्कुल सही कहा आपने सही कहा है. जैसे एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जैसे आपके पास आपने एक क्वांटिटी को मेजर किया है, और एक है उसका मेजर्ड वैल्यू और एक होता है ट्रू वैल्यू. ट्रू वैल्यू मतलब जो सच में उसका क्या वैल्यू है. तो मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, ये बेसिकली उसका एक्यूरेसी को इंडिकेट करता है. तो आप अगर बोलते हो ज्यादा एक्यूरेट है, इसका मतलब है कि जो मेजर्ड वैल्यू है दैट शुड बी मोर क्लोज टू द ट्रू वैल्यू. सो एक्यूरेसी रिप्रेजेंट्स अ मेजर ऑफ
the closeness of measured value with respect to true value. ठीक है, बट अगर प्रेसिजन की बात करते हैं तो प्रेसिजन का मतलब होता है कि कितना ज्यादा आप प्रिसाइज मेजरमेंट कर पा रहे हो, मतलब कि कितना ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक आप उसको मेजर कर पा रहे हो. जैसे अगर मैंने मिलीमीटर स्केल से मेजर किया तो मिलीमीटर स्केल से मैंने डेसिमल में एक प्लेस तक ही मेजर किया. अगर सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं तो जस्ट 12.2 या 12.7 या 5.3 सेंटीमीटर में लिख के आप छोड़ देंगे. आप डेसिमल में पॉइंट के बाद एक और, एक के बाद और नहीं लिख सकते क्योंकि वही उसका प्रेसिजन ही है. बट अगर आप वर्नियर कैलिपर्स पे जाओगे तो वर्नियर कैलिपर में 0.01 सेंटीमीटर तक भी आप मेजरमेंट कर सकते हो. आप अगर स्क्रू गॉज पे जाओगे तो 0.001 सेंटीमीटर तक भी आप मेजर कर सकते हो. इसका मतलब कि बेसिकली आप जब डेसिमल प्लेस में ज्यादा प्लेस तक मेजर कर पाते हो तो हम उसको कहते हैं कि वो ज्यादा प्रिसाइज होता जा रहा है. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्रिसाइज मेजरमेंट. सो अगर आपको डेसिमल प्लेसेस में ज्यादा मेजर ज्यादा प्लेसेस दिखे तो फिर समझ आना कि वो आपका ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट है. ठीक है, सो प्रेसिजन इज डिपेंडेंट अपॉन इंस्ट्रूमेंट, ऑब्वियसली डिपेंडेंट अपॉन द इंस्ट्रूमेंट. Greater the number of decimal places in which measurement can be made, more precise will the instrument be. Instrument B. Okay. Generally, a more precise instrument gives us more accurate reading. ये सही है नहीं? ये गलत है या सही है? अगर ज्यादा precise होगा तो ज्यादा accurate भी होगा. सही है? Yes, sir. हमेशा सही होगा या फिर कभी गलत भी हो सकता है? गलत भी हो सकता है. कैसे? सर, अगर ट्रू वैल्यू 5 है और हमारा एक मेजरमेंट हुआ 4.9 और एक मेजरमेंट हुआ 4.706. गुड, तो वहां पर सही है. जैसे आप देखो, अगर हम सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, तो उस केस में एक ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट वो ज्यादा एक्यूरेट होगा. ये ट्रू है. बट ऐसे सोच के देखो, इमेजिन करो कि जैसे हर एक इंस्ट्रूमेंट को मेजर करने का एक तरीका भी होता है. जैसे जब आप स्केल यूज करके जब आप किसी चीज का लेंथ मेजर करते हो तो आपको पता है ना, पैरेलेक्स एरर नहीं होना चाहिए. आपको पता है पैरेलेक्स एरर क्या होता है? कि जैसे आप जब स्केल को रखते हो तो आपका जो फोरहेड होना चाहिए, मतलब जो आईसाइट जो होना चाहिए वो ठीक स्केल के ऊपर होना चाहिए. अगर आप स्केल के ऊपर नहीं रख के अगर आप टेढ़ा करके देख रहे हो, जैसे ऐसे देख रहे हो, जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखो एक मिनट, जैसे देखो माइक्रोफोन इज नॉट वर्किंग. ओके, आप एक चीज देखो, ये सपोजिटली ये एक स्केल है. तो आपको जब आप एक्चुअली मेजरमेंट करना होता है ना, तो आप क्या करते हो, अपनी जो आईसाइट होती है उस आईसाइट को इसके साथ एकदम बिल्कुल अलाइनमेंट में इस लाइन पे लाके रखते हो. तो फिर उस केस में आपको जो सक्सेसिव डिवीजन होंगे ना यहाँ पे, वो सारे डिविजन्स आपको एक ही स्पेसिंग के दिखेंगे. बट इमेजिन करो कि कोई एक किसी को इंस्ट्रूमेंट में बिल्कुल मेजरमेंट लेना नहीं आता है, तो वो क्या करेगा, वो ऐसे करके मेजरमेंट कर रहा है. सपोजली ऐसे स्केल रखा उसने और ऐसे मेजरमेंट कर रहा है, मतलब यहाँ से देख रहा है. तो आप ये सोच के देखो, जब हम ऐसे देखेंगे तो मेरे आंख के सामने वाला जो स्पेसिंग होगा वो मुझे बड़ा दिखेगा, और आंख की जो दूर की तरफ वाला स्पेसिंग होगा वो छोटा दिखेगा, नहीं दिखेगा? हाँ सर, सब लाइन होंगे एक साथ, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये निकला कि इंस्ट्रूमेंट में कोई फॉल्ट तो नहीं था, बट ये जो इंस्ट्रूमेंट को यूज करके मेजरमेंट ले रहा था उसको तो मेजरमेंट लेनी नहीं आई ना, है ना? तो ये उसका पर्सनल एरर हो गया. अब ये पर्सनल एरर भी अगर आप इनकॉर्पोरेट करोगे, तो अगर आपने प्रिसाइज मेजरमेंट करने वाला भी उसको इंस्ट्रूमेंट दिया है तो भी वो क्या करेगा, क्या प्रिसाइज मेजरमेंट ले पाएगा या फिर लेस एक्यूरेट मेजरमेंट ले पाएगा या फिर लेस एक्यूरेट लेगा? अब सोचो, लेस एक्यूरेट लेगा ना.
तो एज फार एज इंस्ट्रूमेंट्स एरर इज ओनली कंसर्न, तब हम कह सकते हैं यू नो कि एक ज्यादा प्रिसाइज रीडिंग आपका ज्यादा एक्यूरेट भी होगा. बट अगर आप बाकी सारे फैक्टर्स को भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो जहां पे पर्सनल एरर्स भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, तो फिर उस केस में एक ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट भी आपका लेस एक्यूरेट हो सकता है, क्योंकि अगर आपने तरीके से अगर यू नो रीडिंग नहीं लिया तो फिर डेफिनेटली आपका क्या होगा, एरर आ जाएगा. आपको समझ आ रही क्या कह रहा हूं मैं? हां सर. ठीक है, तो वो चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना है. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अभी, आप देखो स्क्रीन, देखो आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है ना? आई होप आपको स्क्रीन दिख रही है. नहीं दिख रही आपको स्क्रीन? नहीं दिख रही है? नो सर. नो सर. ओहो, अभी देखो दिख रही होगी. हाँ सर. हाँ सर. ठीक है. ठीक है, सो ये जो मैंने लिखा है ये जनरली लिखा है, ऑलवेज नहीं है. ठीक है. मोर प्रिसाइज रीडिंग कैन बी लेस एक्यूरेट टू इफ अदर देन इंस्ट्रूमेंटल एरर other types of error such as personal error, such as imperfection, likhte hain imperfection in experimental technique, imperfection in experimental technique is also introduced. ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा. ओके, ओके, देखो अभी जिसका एक छोटे से एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं. देखो लेट द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी मेजर्ड बाय टू स्केल्स एज, पहला स्केल ने मेजर किया है L1 इज 20.0 सेंटीमीटर्स और दूसरे ने मेजर किया है L2 इज इक्वल टू 20.00 सेंटीमीटर्स. ठीक है, अब ये बताओ कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है? सर टू. सेकेंड वाला ज्यादा एक्यूरेट है ना? कैसे दोनों का वैल्यू तो एक ही दिख रहा है, फिर कैसे एक्यूरेट ज्यादा बोल रहे हैं उसको? क्योंकि L1 में देखो 20.0 लिखने का मतलब है मुझे जीरो के बाद का डिजिट तो नहीं पता है ना? पता है नहीं पता है? नहीं नहीं पता. बट जब हमने 20.00 लिखा है, 20.00 लिखा है, तो इसका मतलब जीरो के जो यू नो थर्ड यूनिट था, मैंने थर्ड न्यूमेरिकल वैल्यू था जीरो, उसके बाद भी एक तो पता है आपको जीरो है. तो एक में आपको अनसर्टन है, फर्स्ट में आपका फोर्थ डिजिट अनसर्टन है, बट सेकंड में आपका फोर्थ डिजिट भी आपको क्या है सर्टन पता है कि वो क्या है, जीरो लिखा आपने. इसका मतलब क्या है कि बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि नो कि एरर कितनी है फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट वाले में अगर मुझसे पूछा जाए कि एरर कितना है, तो डेल्टा L1 अगर निकालोगे तो कितना लिखोगे आप? तो 1 सेंटीमीटर लिखोगे, नहीं लिखोगे? लिखोगे ना, लीस्ट काउंट लिया है. ठीक है, लीस्ट काउंट है. ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे डेल्टा L1/L1 कितना है, तो क्या लिखोगे? 0.1/20.0 which is basically 1/200 लिखो. तो ये उसका फ्रैक्शनल एरर हो गया. अब सेम तरीके से अगर डेल्टा L2 निकालते तो लिखते 0.01 सेंटीमीटर. तो अगर आपसे कोई पूछता डेल्टा L2/L2 कितना है, तो क्या लिखते आप? 0.01/20.00 which is 1/2000 लिखवा रही है. दिख रही है? तो yes. अब इससे क्लियरली पता चल गया कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है, बताओ. L2 है ना, क्योंकि फ्रैक्शनल एरर क्या रहा उसमें कम आ रहा है. तो देयरफॉर क्लियरली आपका क्या है, क्लियरली L2 वाज मोर प्रिसाइज एज वेल एज मोर एक्यूरेट. यही रीजन कहते हैं कि जनरली जब आप बात करते हो तो अगर इंस्ट्रूमेंट के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, तो फिर उस केस में जो ज्यादा प्रिसाइज होता है वो ज्यादा
एक्यूरेट भी होता है. ठीक है, समझ आई सभी को? हाँ सर. यस सर. ठीक है, ओके. अभी आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स पे. सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे आप कोई भी एक कोई चीज को आप मेजर करते हो, तो मेजर करने के बाद आप उसके साथ एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करते हो. तो न्यूमेरिकल वैल्यू जब हम असाइन करते हैं तो उस केस में जो भी वैल्यू आप लिखते हो उसके साथ, जैसे आपने सपोजली कोई चीज का मेजर करके लेंथ लिखा, सपोजली 2.55 लिखा है आपने, या 2.54 लिख दिया, सपोजली 2.54 सेंटीमीटर आपने लेंथ में लिखा है. तो 2.54 सेंटीमीटर लिखने का मतलब है कि 2 एंड 5 में आपको कोई डाउट नहीं है, वो सर्टन है. बट वो जो लास्ट डिजिट है उसमें तो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट एरर तो इंट्रोड्यूस हो सकता है ना. तो 4 जो है 2.54 में जो 4 लिखा हमने, क्या वो सर्टन है या अनसर्टन डिजिट है? अनसर्टन डिजिट है. तो उस केस में जब आपसे कोई पूछे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी मेजर्ड वैल्यू में कितनी है, तो आपको बेसिकली क्या करना होता है, जो आपके सारे सर्टन डिजिट्स हैं उसको लो और जो पहला अनसर्टन डिजिट है उसका काउंट लो. और ये सारा टोटल काउंट ऑफ डिजिट जो होता है उसी को हम कहते हैं कि वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं. जैसे 2.54 में सारे के सारे डिजिट्स के आपके सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आप उसको बोलोगे. आपको समझ आई क्या बोला मैंने? यस सर. ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या हुआ? The total number of the number of significant figures in a given number represents the total number of certain digits plus the one uncertain digit है. ठीक है, तो वो चीज को लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे. The total number of significant figures in a measured value represents the total number of certain digits plus the one uncertain digit. The one uncertain digit. ठीक है, अब significant figures निकालने के कुछ rules हैं, वो रूल्स को आप याद रखिएगा. ठीक है, जस्ट उसको एक सेव कर रखा है, बस उसको लिख देते हैं. सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन करने का रूल्स है. रूल्स क्या है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, वो सारे आपके सिग्निफिकेंट होते हैं, सारे सिग्निफिकेंट है. अगर आपके कोई भी जीरो जो है वो दो कंसेक्यूटिव नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, या कोई भी दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, तो वो सारे सिग्निफिकेंट कहलाएंगे. मतलब जैसे अगर सोचो कि अगर मुझे ऐसे लिखना है, सपोजली 2.54024 अगर ऐसा लिखना है, या जीरो ऐसे लिखा हमने. ठीक है, तो इस केस में ये जो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो है वो कौन सा है? 4 और 2 के बीच में जो नॉन जीरो डिजिट है और उसके बीच में जीरो है, वो सारा आपका सिग्निफिकेंट होगा. ठीक है, तो सेकंड पॉइंट यही कह रहा है कि ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. मतलब कि 4 और 2 के बीच में जो ये जो जीरो दिख रहा है आपको, ये सिग्निफिकेंट है. ठीक है, अगर यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिखता 2540240, तो इसमें ये भी सिग्निफिकेंट होता. ठीक है, डेसिमल से कोई लेना देना नहीं है इसमें, बस ये कह रहे हैं कि अगर नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर एक जीरो इनकॉर्पोरेटेड है तो कहीं पे भी है वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा. कोई भी अगर नंबर लेस देन 1 है, मतलब फ्रैक्शन में अगर डील कर रहे हैं आप, या फिर डेसिमल पॉइंट्स में डील कर रहे हैं, तो जीरोस जो आपका ट्रेलिंग जीरोस होगा वो भी सारा आपका सिग्निफिकेंट होता है. जैसे इसमें अगर फर्स्ट वाली वैल्यू में दिखाएं, तो सिंस ये डेसिमल नंबर है, तो इसका जो लास्ट वाला जीरो है ना, ये ट्रेलिंग जीरो, ये भी आपका सिग्निफिकेंट है, वो भी सिग्निफिकेंट है. बट इस सेकंड वाला जो मेजरमेंट लिखा है जिसमें डेसिमल नहीं है, तो इसका ये जो जीरो है ना, ये इनसिग्निफिकेंट है. दिस इज इनसिग्निफिकेंट. ये रूल्स है बेसिकली, आपको याद रखने हैं. ठीक है, कि रूल्स अगर आप ध्यान रहेंगे तभी आप सिग्निफिकेंट फिगर्स बता पाएंगे किसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. जीरोस अगर आपके नॉन जीरो नंबर के बीच में स्क्वीज है, तो अगर डेसिमल हो या नॉन डेसिमल हो, वो सारा सिग्निफिकेंट होगा. बट अगर नंबर में ट्रेलिंग जीरोज है, तो ट्रेलिंग जीरोज तभी सिग्निफिकेंट होंगे जब वो एक डेसिमल नंबर में यूज हो रहा होगा.
अगर नॉन डेसिमल नंबर है तो ट्रेलिंग जीरोस को हम इनसिग्निफिकेंट मानते हैं, ठीक है। ये चीज को अभी अभी ये सारा जो जो मैंने बात बोली है वो सारे इसमें देखो कवर हो गए हैं। फोर्थ पॉइंट देखो आपका, इन अ नंबर विदाउट डेसिमल ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, इन अ नंबर विद डेसिमल ट्रेलिंग नंबर्स आर ट्रेलिंग जीरोस आर आल्सो सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के आपके रूल से ध्यान रखना है। जैसे अगर सोच के देखो, अगर मैंने ऐसा लिखा है, सपोजली किसी ने लिखा 200 सेंटीमीटर्स, तो 200 सेंटीमीटर्स में क्या ट्रेलिंग जीरोस है? ये डेसिमल नंबर में या नॉन डेसिमल नंबर में? नॉन डेसिमल, नॉन डेसिमल। तो इसका मतलब है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है हमारे पास? 1। तो इसको आप कैसे लिखोगे? दिस हैज ओनली, दिस इज ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर, ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो? दिस विल बी, क्या हम ऐसा लिखें 2.00 into 10 to the power 2, कैसा लिख सकते हैं सेंटीमीटर्स में? Yes, sir. नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। अगर आपने ये लिखा तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि 2.00 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर में ट्रेलिंग जीरोस भी क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये इसमें आपका तीनों सिग्निफिकेंट हो गया, इसलिए नहीं हो सकता। ये गलत क्यों किया हमने? सिंस 2.00 हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ आई आपको? तो इसका मतलब इसको कैसे लिखना था? इसका मतलब 200 सेंटीमीटर को अगर आपको लिखना है 10 के पावर में, आप इसको ऐसे लिखेंगे, दिस विल बी रिटन एज 2 × 10⁻² सेंटीमीटर। आपको समझ आया? हाँ सर। ठीक है, तो मतलब जब भी आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट भी करते हैं ना, अगर यूनिट कन्वर्जन भी करते हो, तो आप ये याद रखना कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके चेंज हो गए तो यूनिट कन्वर्जन गलत हो गया, ठीक है। सो द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड नॉट चेंज व्हेन कन्वर्टिंग यूनिट्स फॉर अ physical quantity, ठीक है। इसका ध्यान रखना, यूनिट कन्वर्जन करते वक्त आप ये नहीं करेंगे। बट एक चीज देखो, थोड़ा सा कई बार ना, यू नो थोड़ा सा कई बार यू नो कॉमन सेंस की तरह भी यू नो काम करते हैं। जैसे कॉमन सेंस की तरह क्या है, जैसे 200 सेंटीमीटर जब किसी ने लिखा है ना, तो हमने वो ट्रेलिंग जीरोस को सिग्निफिकेंट क्यों नहीं माना, आपको पता है? क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि उसको मेजरमेंट किस स्केल को लेकर यूज किया गया है, ठीक है। हो सकता है आपने एक मीटर वाले स्केल से मेजर किया हो सकता है मीटर वाले स्केल से मेजर किया हो। अगर मीटर वाले स्केल से मेजर करोगे तो लीस्ट काउंट कितना होगा? 1 मीटर का होगा, नहीं होगा? मान लो कि एक रॉड हमने दे दिया, मैंने मान लो आपको एक रॉड दे दिया है और वो रॉड का लेंथ 1 मीटर है, और आपको मैंने बोला फील्ड का लेंथ मेजर करो कितना है, तो फील्ड का लेंथ आप रॉड के मल्टीपल में ही बताओगे ना, बताओगे नहीं बताओगे? तो अगर आपने फील्ड का लेंथ अगर रॉड के मल्टीपल में बताया, तो सपोजेडली आपने बताया कि यू नो कि 4 times रॉड आ रहा है, सपोजेडली 4 times रॉड आ रहा है, इसका मतलब क्या आ गया? 4 meter हुआ, कोई नहीं हुआ? हाँ सर। और 4 meter का मतलब क्या हुआ? 400 centimeter हुआ। हाँ सर। तो उस केस में आप सोच के बताओ कि इसमें हम सही थे या नहीं थे, कि 4 जो डिजिट है वो खुद अनसर्टेन था या नहीं था? राइट, समझ आ रही है आपको क्या कह रहा हूँ मैं? क्यों? क्योंकि जब लीस्ट काउंट कर रहे हो तो आना ही है ना, तो 4 meter जब आपने बोला है तो 4 ± 1 meter होता ना, वो है ना? हाँ सर। तो अभी आपको अब एक चीज सोच के देखो, अगर सपोजेडली मैंने उसकी लेंथ को अगर 1 centimeter वाले स्केल से मेजर किया होता, मतलब कि जो आपके पास नॉर्मल जो टेप होता है, मेजरिंग टेप जो होता है, मेजरिंग टेप में 1 centimeter का भी छोटा डिविजन होता है, तो इसका मतलब उसको लेके जब आप मेजरमेंट कर रहे होते तो सबसे छोटा मेजरमेंट कितना होता? 1 centimeter का हो रहा होता नहीं हो रहा था? हाँ सर। तो अब अगर मैंने उसको यूज करके सपोजली 400 centimeter बोला होता सपोजली, तो isn't it obvious कि यहाँ पे जो तीनों डिजिट हैं, मतलब उसके लास्ट डिजिट में ही कुछ एरर हो सकता था, है ना? हाँ सर। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता? तीनों को सिग्निफिकेंट मानना पड़ता। आपको समझ आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. ठीक है, तो वो हमेशा आपके इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पे डिपेंडेंट होता है। इसीलिए जब आपको ये नहीं बताया ना लीस्ट काउंट यू नो कितना है इंस्ट्रूमेंट का, तो आप ये मान के चलते हैं कि नो कि जब अगर 200 सेंटीमीटर लिखा है तो समझ लो कि ट्रेलिंग जीरोस आपके यू नो इनसिग्निफिकेंट है,
बट इस कॉन्ट्रोवर्सी को अवॉइड करने के लिए ना हमारे पास एक तरीका होता है, साइंटिफिक नोटेशन ऑफ नंबर कहते हैं. साइंटिफिक नोटेशन ऑफ अ नंबर, साइंटिफिक नोटेशन और रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर. अब इस नंबर में क्या करते हैं हम, इसको नंबर को हमेशा a into 10 to the power b के फॉर्म में लिखते हैं, a into 10 to the power b, जहां पे a जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, greater than equal to 1 and less than 10 होना चाहिए. तो ये जो a है ना, this will decide the order, this a decides the order of, नहीं ordering, decides the significant figure, decides the significant figures. और जो b हमने लिखा है ना, b decides the order, decides the order of measurement. ठीक है, जैसे supposedly, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे example में देखो, जैसे supposedly मैंने आपको बोला कि yellow light has a wavelength of 5800 angstrom. ठीक है, तो अभी अगर आपसे पूछे इसका ऑर्डर क्या है बताओ, सो व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ये आपसे पूछा है. जब आपको ऑर्डर पूछते हैं तो आपको हमेशा एसआई यूनिट में कन्वर्ट करके निकालना होता है. ठीक है, तो एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे पहले. तो अभी सोचो इसको कैसे लिखोगे आप, 5800 एंगस्ट्रॉम, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, दो है ना, दो. ठीक है, ट्रेलिंग जीरोस को हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे क्योंकि नॉन डेसिमल नंबर है. तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर यूज करते, अगर साइंटिफिक नोटेशन में यूज करते तो क्या इसको ऐसे लिखते, 5.8 into 10 to the power 2, यानी 3, सॉरी 3 एंगस्ट्रॉम, ऐसा लिखते आप? यस सर. इसको अब अगर ब्रेक करोगे तो कैसे लिखते, 5.8 into 10 to the power minus 7 मीटर, ऐसा लिखते? यस सर. So therefore, अब देखो ये क्या उस नोटेशन में आ गया क्या, देखो a into 10 to the power b का फॉर्म आ गया है क्या, a हमेशा 1 से 10 के बीच में होना चाहिए, देखो 1 से 10 के बीच में है या नहीं है, है? हाँ सर. तो बस हो गया काम. So therefore, significant digits कितने हो गए आपके पास, significant digits ये आपके पास 2 हो गए, और order, order कितना हुआ आपका, minus 7. समझ आया आपको? हाँ सर. ठीक है, yes, sir. Okay. ये है आपके कुछ यू नो रूल्स हैं. अब रूल्स में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे यू नो जैसे जितने भी अच्छा रूल्स, उस रूल्स को बताने के पहले आपको एडिशन एंड अच्छा कट ये भी तो है क्या बोलते हैं इसको, राउंडिंग ऑफ का भी एक रूल है. राउंडिंग ऑफ देखो, जब भी आप कोई कैलकुलेशन करते हो तो अक्सर आपको यू नो कि यू नो जब आप यू नो जैसे कोई दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं या एडिशन कर रहे हैं या सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं या डिवीजन कर रहे हैं, तो आपको कुछ रूल्स को फॉलो करके यू नो आपको उसको राउंड ऑफ करना होता है. तो राउंडिंग ऑफ जब आप करते हैं तो उसमें सिंपल सा यू नो एक रूल है कि जैसे जिस डिजिट को आप ड्रॉप कर रहे हो वो डिजिट आपका 5 से ज्यादा है या कम है. अगर ड्रॉप करने वाला क्वांटिटी मतलब 5 से ज्यादा है तब उस केस में आपको क्या करना होता है, जो प्रीसीडिंग डिजिट होता है उसको 1 से रेज कर देते हैं. जैसे इमेजिन करो अगर मैंने ऐसे लिख रखा है सपोजिटली 2.564 सेंटीमीटर लिख रखा है एंड मैंने बोला इसको राउंड ऑफ करो दो डिजिट पे. ठीक है, राउंड ऑफ टू डिजिट्स. ठीक है, दो डिजिट में इसको राउंड ऑफ करना है. तो उस केस में सोच के देखो, अगर मैं इसमें यहाँ पे सब लिखो यहाँ पे तो यहीं पे राउंड ऑफ करना है ना मुझे. देखो दिख रही है आपको, दिख रही है? यस सर. तो मुझे ड्रॉप किसको करना है, 6 को ड्रॉप करना है ना. हाँ सर. और 6 क्या है, 5 से बड़ा है ना. हाँ सर. तो इसका मतलब प्रीसीडिंग डिजिट क्या होगा, 1 से रेज हो जाएगा. इसका मतलब इसकी वैल्यू को क्या लिखेंगे हम, 2.6 सेंटीमीटर. समझ आया आपको? यस सर. बट यही चीज अगर
अगर यू नो जिस डिजिट को आपको ड्रॉप करना होता अगर वो 5 से छोटा होता तो फिर उसको वैसा का वैसा छोड़ देते. जैसे सपोजली अगर आपको ये दे रखा है, सपोजली ये दे रखा है 2.4 यू नो या 2. अच्छा ठीक है ऐसे ले लेते हैं 2.442 अगर ऐसा दे रखा है. अब मान लो इसको ही यू नो राउंड ऑफ करना है आपको, फिर से इसको राउंड ऑफ करना है तो फिर से यहाँ से एक बाउंड्री ड्रॉ किया, मुझे दो डिजिट में चाहिए था तो अब जिसको ड्रॉप करना है वो तो खुद ही 4 है तो इसका मतलब प्रीसीडिंग डिजिट क्या रहेगा वैसे ही रह जाएगा. तो इसको क्या लिखेंगे 2.4 सेंटीमीटर छोड़ देंगे. बट अब यू नो जो रूल है इसमें तो कॉमन सेंस ही काम कर रहा है. बट अब रूल जो है वो इसमें है 5 वाले डिजिट में. अगर आप जिसको ड्रॉप करना चाहते हो वो खुद ही 5 है तब आप क्या करोगे? तब उस केस में प्रीवियस डिजिट को आप अनचेंज छोड़ देते हो अगर वो इवन है, और अगर वो ऑड होता है प्रीवियस डिजिट तो उसको आप एक 1 से रेज कर देते हो. जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे इमेजिन करो कि आपके पास जो है 2.3 5 3.2. अच्छा अलग अलग एग्जांपल लेते हैं. 2.35 है एक, सपोजली 2.35 अच्छा नहीं यहाँ पे 2.25 एंड एक और ले लेते हैं 2.251 ये. अब मान लो कि इनको राउंड ऑफ करना है मुझे दो दो डिजिट पे, ठीक है इनको राउंड ऑफ करना है. यहाँ पे राउंड ऑफ एंड यहाँ पे राउंड ऑफ. तो पहले वाले में देखो आपको क्या दिख रहा है, जिसको हमें ड्रॉप करना है वो 5 है और उसके प्रीवियस वाला डिजिट कितना है 3. तो सिंस ये ऑड है तो आपको एक से रेज कर देना है. इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर हो जाएगा. इसमें चेक करो 2.25 है, जिसको ड्रॉप करना है वो 5 और उसका प्रीसीडिंग डिजिट जो है वो आपका इवन है. इसका मतलब उसको वैसे ही छोड़ देंगे, मतलब 2.2 सेंटीमीटर रह जाएगा. इसमें बताओ क्या रहेगा, इसमें लास्ट वाले में 2.2. गलत, क्योंकि 5 के बाद देखो 1 भी है यहाँ पे, दिख रहा है आपको? ओह हाँ दिख रही है, है ना? तो ये नेक्स्ट डिजिट के क्लोजर चला गया, नहीं चला गया? 2.251 जब आपने बोला तो इज इट क्लोजर टू 2.2 और इज इट क्लोजर टू 2.3? राइट. सो सिंस 1 इज ओवर हियर, ये 1 आपका प्रेजेंट है, इसकी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 2.3 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा. तो जो ड्रॉप करने वाला डिजिट है अगर वो 5 है बट उसके आगे में और डिजिट प्रेजेंट है तो उस केस में प्रीसीडिंग डिजिट में आपको क्या करना है 1 रेज कर देना है. ठीक है, ठीक है. ये नॉन जीरो कोई भी डिजिट होता, इसमें ऑड इवन से कोई मतलब नहीं है, ये नॉन जीरो कोई भी डिजिट होता तो उस केस में आपको प्रीसीडिंग डिजिट को आपको 1 इंक्रीमेंट करना ही करना है. समझ आई आपको? यस सर. ठीक है, ये हो गया आपका राउंड ऑफ का. अब कुछ रूल्स हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए. एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्या रूल है देखो, जैसे अगर आप दो टर्म को जब आप एड कर रहे हो तो एडिशन में जो जिसमें कम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होते हैं ना, जिसमें कम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, जैसे एक में 2 डेसिमल प्लेस है और दूसरे में 4 डेसिमल प्लेस, तो फाइनल आंसर में आपका 2 डेसिमल प्लेस रख के ही कैलकुलेशन करना है. ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल है. जैसे अगर मान लो आपको ऐसा सिचुएशन दिख रहा है 2.54 सेंटीमीटर एडेड विथ 2.3 सेंटीमीटर, ये ऐड करना है. तो इसको अगर आपने ऐड किया तो इसमें आप क्या लिखोगे, इसको लिखोगे तो 4.84 सेंटीमीटर होगा ना. ये बिना रूल लगाए है, ये अभी आपने रूल नहीं लगाया बट अब आपको रूल लगाना पड़ेगा. रूल क्या है कि जिसमें डेसिमल प्लेस कम है, किसमें डेसिमल प्लेस कम है 2.3 में, एक डेसिमल प्लेस, इसका मतलब कि आपको राउंड ऑफ करना है इसको, एक डेसिमल प्लेस में राउंड ऑफ करना है, मतलब यहाँ पे इसको आपको चॉप ऑफ करना पड़ेगा. अब यहाँ पे रूल लगा लो. रूल क्या है आपका, सिंस जो ड्रॉप हो रहा है वो 4 है और वो तो आपका 5 से तो छोटा ही है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका 4.8 सेंटीमीटर में ही रुक जाएगा. समझ आया आपको क्या बोला मैंने? यस सर. ओके, जैसे ये एडिशन के लिए वैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए भी रूल है. मल्टीप्लिकेशन में क्या रूल है कि जैसे दो नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो सिर्फ और सिर्फ हम डेसिमल प्लेस नहीं देखते, हम ये भी देखते हैं कि किसमें आपका कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है. जिसमें आपके कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे फाइनल आंसर भी आपका वही होना चाहिए, फाइनल आंसर भी वही होनी चाहिए. अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, सपोजली आपको ऐसा दिख रहा है एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर की मान लो आपको रेडियस दे रखा है, से सिलेंडर हैज अ रेडियस ऑफ से 2.2 सेंटीमीटर्स एंड लेंथ इज मेजर्ड एज से
4.54 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दे रखा मैंने आपको। और मैंने आपसे पूछा बताओ इसका वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम, और इसके लिए ऑप्शंस भी मैंने आपको दे रखा है। एक मिनट रुकिए, जस्ट अ सेकंड रुकिए, मैं आपको एक जस्ट एक कैलकुलेशन मुझे करने दीजिए। अब इसमें ऑप्शंस आपको दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 142 सेंटीमीटर्स, दूसरा दे रखा है 142.38 सेंटीमीटर्स, तीसरा दे रखा है उन्होंने 140 सेंटीमीटर्स, एंड चौथा दे रखा है उन्होंने 142.3 सेंटीमीटर्स, ये दे रखा। अच्छा, सेंटीमीटर क्यूब होगा, वॉल्यूम है, ये दे रखा उन्होंने, ठीक है। अब ये चार ऑप्शन में से आपको एक पिकअप करना है, कौन सा होगा। अब आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए क्या रूल बताया मैंने आपको, कि जिसमें लेस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे आपके फाइनल आंसर में भी उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए। तो देखो, जब आप वॉल्यूम निकालोगे, सोच के देखो, तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, पाई आर स्क्वायर इनटू एल, यही चाहिए ना, चाहिए नहीं चाहिए? यस सर। तो आप इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, 3.14 लिखा इसमें, 3.14 को आप यू नो 22/7 भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको समझाता हूँ उससे क्यों नहीं फर्क पड़ेगा। एंड उसके बाद फिर रेडियस का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे 2.2 का स्क्वायर किया एंड इनटू 4.54 कर लिया, ठीक है। अब इसमें सोच के देखो, इसको जब फाइनली कैलकुलेट करोगे ना, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसी आती है, दिस कम्स आउट टू बी 142.3849, ऐसा करके ये कंटिन्यूड है, ठीक है, ऐसा एक वैल्यू आ रहा है, ये सेंटीमीटर क्यूब में आ रही है। बट आप ऐसे तो नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्यों, रूल क्या लगेगा, कि रेडियस के साथ आपने लेंथ को मल्टीप्लाई किया है, तो रेडियस में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो कितने हैं, दो है ना, यस सर, और लेंथ में कितने हैं, तीन, तो इनके प्रोडक्ट में, इनके प्रोडक्ट में जो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए वो कितना होना चाहिए सर, 1.142 थोड़ी आ रहा है सर, 68.8 समथिंग आ रहा है सर, वही गलत, मैंने गलत किया है क्या, हाँ सर, आपका ये 68 पॉइंट समथिंग आएगा सर, नॉट 142, मैंने गलत किया क्या, ये देखिए 3 × 3 = 12, 12 = 48, हाँ अरे सही तो कह रहे हो, ओहो मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, कैलकुलेटर फीड किया, गलत किया, एक मिनट रुकिए, तो मैं ऑप्शन चेंज कर देता हूँ, एक मिनट से, 3.14 × 2.2 × 2.2, अच्छा उल्टा कर दिया था मैंने, 4.54 का स्क्वायर कर दिया था, इनटू 4.54 मैंने उल्टा कर दिया था, ये आ रही है 68 पॉइंट आ रही है 68.997104 आ रही है, ठीक है, ये इतने सारे डेसिमल प्लेस मैंने कर लिया, तो अब इसके ऑप्शन चेंज कर देते हैं, करके इसके ऑप्शंस लिख देते हैं, मान लेते हैं 68.9, फिर एक लिख देते हैं 68.99, एक लिख देते हैं 68.98, और एक लिख देते हैं आपका 69, सिर्फ 69, ठीक है, अब हो गया। देखो अभी चेक करो आप, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि रेडियस में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो दो है, और लेंथ में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो तीन है, तो प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, हाँ सर, है ना। तो अब आप सोचो कि राउंडिंग ऑफ का अगर रूल लगाएं, तो यहाँ पे इसको रूल राउंड ऑफ करना पड़ेगा मुझे, राइट, यस सर। अब देखो जिस डिजिट को मुझे ड्रॉप करना है वो खुद क्या है, 9 से बड़ा है ना, क्योंकि 9 के बाद भी 9, 7 सब तो है ही, मतलब 5 तो बड़ा ही है, और 5 से बड़ा इसका मतलब प्रीसीडिंग डिजिट को क्या करेंगे, 1 से रेज करेंगे, तो प्रीसीडिंग डिजिट को अगर 1 से रेज किया मतलब 8 क्या बन जाएगा, 9, तो क्या बना ये 69 बना या नहीं बना, समझ आई आपको सर? ये तो हम विदाउट कैलकुलेशन भी बोल सकते थे, विदाउट कैलकुलेशन भी बोल सकते हैं, मतलब
मतलब यहाँ पर ऑप्शंस है और हम जानते हैं कि प्रोडक्ट दो सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होगा एग्जैक्टली सही कह रहे हैं बेटा. मैं आपको ये जो कैलकुलेशन करके दिखाया ये आपको समझाने के लिए कि क्या कराया. जैसे मैंने तो ये कैलकुलेशन करके अभी तो देखा ना, मुझे ऑप्शंस बनाने के लिए तो ऐसा चाहिए ना. बट आप जब ये क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको तो रूल्स ही लगाना है. मैंने आपको तो वही तो रूल्स लगा के तो बताया कि जैसे अगर आप जो रेडियस देखोगे उसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स है और लेंथ जो है उसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो फाइनल आंसर में भी आपका दो ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए. तो पहले ऑप्शन में आपको तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स दिख रहा है, दूसरे ऑप्शन में आपको चार सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहा है, तीसरे में भी आपको चार सिग्निफिकेंट दिख रहा है, तो चौथे में ही अकेला आपका क्या है, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स है. इसीलिए आपको बस वो टिक करना था और आंसर निकालना था. आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, बट मुझे जरूरत थी ना क्योंकि चार ऑप्शन अभी बनाना था ना मुझे. हाँ सर, समझ आ रही है. आपको रूल्स लगा के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको ये काम नहीं करना, आपको मेहनत नहीं करना ये चीज, ठीक है. आप रूल्स लगा के कह रही है. अब एक चीज और देखो यहाँ पे, एक जस्ट छोटा सा चीज अब इसमें बच गया, बस उसको खत्म करते हैं फिर क्लास खत्म करते हैं. जैसे ये जो 22/7 वाला फैक्टर है उसको सपोजली कोई 3.14 लिख दे, कोई 3.14 के बाद वाला डिजिट भी लिख दे, तो उस केस में क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं फर्क पड़ेगा, खुद ही सोच के देखो. नहीं पड़ेगा. अब फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, उसके पीछे एक रीजन है. जैसे ये जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना, ये जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो कैलकुलेशन में यूज होते हैं, क्या ये मेजर्ड वैल्यूज हैं या फिर फिक्स्ड वैल्यूज हैं? फिक्स्ड. फिक्स्ड वैल्यूज. हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स का हम किस में बात करते हैं, क्या मेजर्ड वैल्यूज में या फिक्स्ड वैल्यूज में? मेजर्ड वैल्यू. मेजर्ड. तो ये जो जैसे अगर मान लो कि आपने पाई यहाँ पे यूज किया है तो 3.14 लिख दिया आपने, तो 3.14 लिखने का कोई मतलब ही नहीं वहां पे. आप उसको उतना ही लिख सकते हैं जितना आपको जरूरत है. जैसे अगर आपको दो सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए तो आप उसको दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही आप कंसीडर करो. मतलब उसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट से कांस्टेंट टर्म्स में यूज होते हैं ना, जो कांस्टेंट्स हैं उसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हम मानते हैं वो इनफाइनाइट मानते हैं. मतलब कि न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में जितनी जरूरत पड़े उतने सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स आप उसमें मान सकते हैं. जैसे मान लो किसी ने आपसे बोला है कि पेरीमीटर मेजर करना है एक स्क्वायर फील्ड का, तो स्क्वायर फील्ड का अगर पेरीमीटर मेजर करना है तो आप क्या लिखोगे उसके इसमें सोच के देखो. अच्छा ऐसे जैसे एक एग्जांपल सोच के देखो, एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं उससे थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा. देखो जैसे मान लो कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, रेक्टेंगल है और उसकी लेंथ को हमने मेजर किया है तो वो आया है 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ को मेजर किया तो ये आया 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है. अब मैंने आपसे पूछा फाइंड एरिया, एरिया कितनी आएगी, और ये एरिया निकालना है आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स को फॉलो करके. तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. अच्छा एक काम करते हैं, इसमें एक और डिजिट बढ़ा देते हैं. यस है. अब हमें एरिया निकालनी है मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ करना है, तो 4 × 2.42 करनी है. तो इसे करोगे आप तो ये आ जाएगा 4 × 8 = 16, 4 × 8 = 9, 9.48 आई और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया. अब एक चीज लॉजिकली तुम सोच के देखो, जस्ट थिंक ऑफ इट लॉजिकली. जैसे लेंथ में तो एक सिग्निफिकेंट फिगर था और ब्रेथ में तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स था, तो फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए थे, कितने? एक. तो इस केस में हमें राउंड ऑफ करने पड़ेगा यहाँ पे, तो हम इसका मतलब इसको 9.48 में नहीं छोड़ सकते, तो इसको फाइनल आंसर क्या लिखेंगे आप, 9 cm². समझ आया? Yes, sir. बट अभी yes. इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट तरह से ट्विस्ट करके आपको दिखाता हूँ. देखो इमेजिन करो एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, स्क्वायर फील्ड है एंड इसका मान लो आपका लेंथ दे रखा है, लेंथ है मान लो आपका से 2.42 cm है, ठीक है, एंड मुझे पूछा गया पेरीमीटर कितना है इसका, व्हाट इज द पेरीमीटर, आप बताओ पेरीमीटर क्या लिखोगे, आप क्या लिखोगे, 4L लिखोगे. अब देखो इसमें भी आपका क्या आ रहा है, 4 × 2.42 cm आ रहा है, नहीं आ रहा है? Yes, sir. इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी कितनी आएगी आपकी, 9.48 cm आएगी. 9.68. कुछ गलत लिखा मैंने, 9.68. फिर गलत किया मैंने, 4 × 8, 4 × 4 = 16. अच्छा इधर भी गलत किया, इधर भी गलत किया, ठीक है. अभी देखो सो अभी आप अगर नोटिस करोगे तो इसमें भी फिर से 9.68 तो आया, इसी वाला से मैच कर रहा है, राउंड ऑफ फॉर 10 हो जाएगा ना, सो 9 की जगह नहीं, अब कुछ नहीं करना इसमें. हाँ अब ये 10 हो जाएगा बेटा, ये सही कह रहे हैं आप, इसमें 10 हो जाएगा.
क्योंकि पिछली बार तो 9.8 था ना, 9.48 था, सही कह रहे हैं, ये 10 लिखेंगे, सही है। हाँ अभी देखो इसमें 9.68 जो सेंटीमीटर में हमने लिख रखा है, इसको अब आप राउंड ऑफ करोगे या नहीं करोगे सोच के देखो। ये जो 4 है, ये जो 4 है, ये एक न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट है, दिस इज नॉट अ मेजर्ड वैल्यू, दिस इज नॉट अ मेजर्ड वैल्यू, एंड इसीलिए सिंस इट्स अ न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट, इट्स अ न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट, इट इज assumed to have infinite number of significant figures. तो इसमें इनफाइनाइट है और दूसरे वाले में तीन है, तो फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? तीन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? Yes, sir. तो इसका मतलब फाइनल आंसर क्या रह गया? यही हो गया, दिस इज द फाइनल आंसर, इसमें कोई राउंडिंग ऑफ नहीं जरूरत पड़ेगी। समझ आया आपको? पिछले वाले में राउंडिंग ऑफ क्यों किया और इस बार क्यों किया, नहीं किया, ये समझ आया आपको? यस सर, यस सर, ठीक है।